So, assalamu alaikum everybody and welcome back to my channel. In this video we'll be talking about biomolecules. It's ये जो ये वीडियो है और ये जो नोट्स मैंने बनाए हैं ये बिल्कुल एनसीईआरटी से जो हैं लाइन बाय लाइन वर्ड बाय वर्ड मैंने उठाए हैं. एंड आफ्टर डूइंग दिस वीडियो, आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो एंड रीडिंग दिस नोट्स, आपको एनसीईआरटी का बहुत अच्छा आइडिया आ जाएगा और उसके बाद आप जल्दी जल्दी एनसीईआरटी पढ़ सकते हो. एंड कीपिंग इट ब्रीफ, मैं इस चैप्टर को जो है वैसे डिटेल में नहीं पढ़ाऊँगा इस बार. मैं इसको इट्स काइंड ऑफ अ ब्रश अप वीडियो फॉर द एनसीईआरटी नॉलेज एंड द फैक्ट्स विच आर गिवन इन द एनसीईआरटी, राइट. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट विद द कंटेंट. फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज डेफिनेशन ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स गिवन इन द एनसीईआरटी, विच आर डिफाइंड एज बायोमॉलिक्यूल्स आर द कार्बन कंपाउंड्स दैट आर फाउंड इन लिविंग टिश्यू. And on the basis of molecular weight, we categorize or we classify biomolecules on into two categories. सबसे पहले bio micromolecules as the word छोटा and bio macromolecules मतलब बड़ा. अब इसमें criteria क्या है? bio macromolecules वो वाले molecules होते हैं जिनका weight जो है 10 के Dalton से ज़्यादा होगा, और जो micromolecules होते हैं उनका जो मीन वेट होता है, दैट मॉलिकुलर वेट होता है, दैट इज़ 18 to 800 Dalton. ठीक है, अब ये आपको याद रखना है, ये ऑब्जेक्टिव आ सकता है. और बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स में क्या क्या आते हैं? अमीनो एसिड्स, न्यूक्लियोटाइड्स, मोनोसेकेराइड्स, वाइल एज इन मैक्रो मॉलिक्यूल्स देर आर प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, पॉलीसेकेराइड एंड लिपिड. इस लिपिड में मैंने फॉल्स बायो माइक्रो मॉलिक्यूल लिखा है, वो हम आगे देखेंगे क्यों, राइट. नाउ एक्सपेरिमेंट ऑन द बेसिस ऑफ विच वी डिवाइड बायोमालिक्यूल्स, हमें किस बेसिस पे बायोमालिक्यूल्स को जो है डिवाइड करते हैं. सबसे पहले हमें एक लिविंग टिश्यू लेना है, उसके बाद उसको ट्राइक्लोरोस्टिक एसिड के साथ जो है उसको मिलाना है, और मोर्टर और पेस्टल की मदद से उसको मिक्स करना है, जैसे हम घर पे पेस्ट वेस्ट बनाते हैं. उससे हमें क्या मिलेगा? एक पेस्ट थिक स्लरी बनेगा. उसके बाद उसको फिल्टर से निकालना है. ठीक है, अब जब हमने फिल्टर से निकाला, जो फिल्ट्रेट नीचे आ गया उसमें जो है उसमें सॉल्युबल वो वाले मॉलिक्यूल्स आएंगे जो इस ट्राइक्लोरोएस्टिक एसिड में सॉल्युबल थे और जो स्मॉलर थे. और इन वाले मॉलिक्यूल्स को क्या बोलते हैं? एसिड सॉल्युबल पूल, क्योंकि वो ट्राइक्लोरोएस्टिक एसिड में सॉल्युबल थे. वाइल एज जो ऊपर जो छानी के ऊपर रहे उसको हम रिटेंटेड बोलते हैं, और जो वो फिल्ट्रेट नहीं होता और उसको हम बोलते हैं एसिड इनसॉल्युबल पूल. क्यों? क्योंकि वो इस ट्राइक्लोरोएस्टिक एसिड में सॉल्युबल नहीं हुआ, सॉल्युबल नहीं था, जिसकी वजह से वो नीचे नहीं आ पाया. और इसमें जो है इस एसिड इनसॉल्युबल पूल में बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स आते हैं. ठीक है, सो एसिड सॉल्युबल पूल में कौन आते हैं? बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स. सो हमने इस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे जो है इन बायो मॉलिक्यूल्स को जो है डिवाइड किया था. नाउ लिपिड जो होते हैं, लिपिड्स का मॉलिक्यूलर वेट जो है दैट इज बिटवीन 18 to 800 Dalton, मतलब ये बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स होने चाहिए थे छोटे, बट जब हमने इसको इस एक्सपेरिमेंट में किया तो ये जो है बट आर केप्ट अंडर बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स एज दे आर कलेक्टेड इन द एसिड इनसॉल्युबल पूल. तो हमने किस बेसिस पे उनको मैक्रो मॉलिक्यूल्स में रखा? उनका वेट तो कम था लेकिन वो एसिड इनसॉल्युबल पूल में आए, क्योंकि वो ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड में सॉल्युबल नहीं होते. ठीक है, दिस इज बिकॉज लिपिड्स आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ नॉन सॉल्युबल वेसिकल्स. लिपिड सॉल्युबल नहीं है, इसकी वजह से हमने उनको मैक्रो मॉलिक्यूल्स बोला, ना कि उनका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होता है. ठीक है, नाउ देयर इज़ वन मोर एक्सपेरिमेंट कॉल्ड ऐश एक्सपेरिमेंट. ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म टू फाइंड आउट द इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन द लिविंग टिश्यू. सो अगर आपको ऑब्जेक्टिव आएगा कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को जो है फाइंड आउट करने के लिए हम कौन सी एक्सपेरिमेंट करते हैं, दैट इज ऐश एक्सपेरिमेंट. ठीक है, इसमें क्या करते हैं? सबसे पहले लिविंग टिश्यू लिया, उसको ड्राई किया सो दैट उसका सारा वाटर जो है वो चला जाए, जो ड्राई वेट रहा उसको बर्न करते हैं, और जो उसमें कार्बन होता वो कार्बन, आपको पता होना चाहिए कि कार्बन कंपाउंड जब हम बर्न करते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं. ठीक है, सो कार्बन सारा एज कार्बन डाइऑक्साइड चला गया, जो ऐश वहाँ पे बचा तो वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं. ठीक है, नाउ देयर इज अ टेबल गिवन इन ऑन द एनसीईआरटी दैट इज द प्राइमरी मेटाबोलाइट्स और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स. ठीक है, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, पहले मैं आपको एक ओवरव्यू देता हूँ. प्राइमरी मेटाबोलाइट्स ऐसे मेटाबोलाइट्स होते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं बॉडी में जो उस ऑर्गेनिज्म को खुद के लिए यूज़ होते हैं. वाइल एज सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स ऐसे मेटाबोलाइट्स होते हैं जो एक ऑर्गेनिज्म में प्रोड्यूस होते हैं लेकिन वो उसको खुद के लिए नहीं यूज़फुल होते. फॉर एग्जांपल गम्स, अगर पेड़ है, फॉर एग्जांपल जो हम गम यूज़ कर ये ऑब्टेन करते हैं प्लांट से, वो अगर वो गम प्रोड्यूस ना करे तो प्लांट फिर भी बचेगा, लेकिन वो जो गम है वो हमारे लिए यूज़फुल है. सो वो गम वहाँ पर क्या है? वो सेकेंडरी मेटाबोलाइट है उस प्लांट का. ठीक है, अब आपको ये डिफरेंसेस दी हुई है टेबल 9.3 ऑन
NCERT, इन एनिमल टिश्यू प्राइमरी मेटाबोलाइट्स पाए जाते हैं और इन प्लांट्स फंजी एंड माइक्रोब्स सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स पाए जाते हैं। ये जो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स होते हैं दे आर इन्वॉल्व इन नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स देयर रोल इज़ नॉट नोन। वही रबर, ड्रग्स, स्पाइसेस, सेंट्स, पिगमेंट जो मैं अभी तक आपको बोल रहा था, बट इसमें यहाँ पे ये जो एनिमल और प्लांट का मैंने बोला, इसमें आपको ऑब्जेक्टिव क्या आ सकता है कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स आर नॉट फाउंड इन ए प्लांट्स, बी फंजी, सी माइक्रोब्स एंड डी एनिमल्स। तो वहां पे आपको याद रखना है कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स एनिमल्स में नहीं होते, ठीक है। नाउ कमिंग ऑन टू आवर फर्स्ट एस्टैब्लिश्ड टॉपिक, दैट इज प्रोटीन्स, ठीक है। प्रोटीन इज अ बायो मैक्रो मॉलिक्यूल, दीज आर बायो मैक्रो मॉलिक्यूल जो मैंने बोला था ग्रेटर देन 10K डाल्टन वाला, विच आर पॉलीमर्स ऑफ अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स खुद क्या है, ये हैं बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स। अब इन्हीं अमीनो एसिड्स का पॉलीमर बना, एक अमीनो एसिड दूसरे के साथ मिला, तीसरे के साथ, तो उसने क्या बनाया, प्रोटीन। नाउ अमीनो एसिड की डेफिनेशन क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग एन अमीनो ग्रुप एंड एन एसिड ग्रुप, सिंस नाम में ही अमीनो भी एसिड भी, एज सब्स्टिट्यूट्स ऑन द सेम कार्बन, दैट इज अल्फा कार्बन, हेंस कॉल्ड अल्फा अमीनो एसिड्स। देखो अल्फा अमीनो एसिड्स कैसे आपको याद रखना है, ये है स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड यहाँ पे, ठीक है। अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपने पढ़ी होगी तो इस वाले अगर ऐसा कोई भी यहाँ पे आपको कंपाउंड है, वहाँ पे जो प्राइमरी जो प्राइम फंक्शनल ग्रुप आएगा वो आएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि इसकी प्रेफरेंस सबसे ज़्यादा होती है। अब जो प्राइम फंक्शनल ग्रुप होता है उसके साथ जो कार्बन अटैच होता है उसको अल्फा कार्बन बोलते हैं, ठीक है। उस बेसिस पे इन अमीनो एसिड्स में क्या होता है, ये जो अल्फा कार्बन होता है ये सब्स्टिट्यूटेड होता है चारों साइड से, मोस्ट ऑफ द टाइम चार डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स पे, मतलब इसी अल्फा कार्बन पे एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, एसिड ग्रुप होता है और एक अमाइन ग्रुप होता है, जिसकी वजह से इसको अमीनो एसिड बोलते हैं। अब सिंस दे दिस एसिड ग्रुप एंड अमाइन ग्रुप दिस इज प्रेजेंट ऑन द अल्फा कार्बन, इसीलिए इनको अल्फा अमीनो एसिड बोलते हैं, ठीक है। नाउ फ्रॉम द स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड्स वी कैन से दैट अमीनो एसिड्स आर सब्स्टिट्यूटेड मीथेन्स। मीथेन अगर था, मीथेन इज लाइक दिस, राइट, CH4 होता है ना। अब इसी मीथेन को एक H के बदले NH2, एक H के बदले COH, एक NH के बदले R ग्रुप, जो डिफाइन करेगा कैसा अमीनो एसिड है, और एक H के बदले वो खुद ही है। सो सब्स्टिट्यूटेड मीथेन, दैट इज अमीनो एसिड्स आर सब्स्टिट्यूटेड मीथेन, ये आपको ऑब्जेक्ट आ सकता है। वेयर द फोर वैलेंसीज आर ऑक्यूपाइड बाय हाइड्रोजन, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, अमाइन ग्रुप एंड अ वेरिएबल ग्रुप डिजिग्नेटेड एज द R। बेस्ड ऑन द R देयर मे बी अमीनो एसिड्स, देयर मे बी मेनी अमीनो एसिड्स, हाउएवर ओनली 20 ऑफ देम टेक पार्ट इन द प्रोटीन। देखो ये इसका मतलब क्या है, ये जो आर है ना, आर मतलब होता है ये वेरिएबल होता है। अगर फॉर एग्जांपल आर की जगह एच है तो सी एक साइड से NH2, एक साइड से COH, एक साइड से एच और एक दूसरे साइड से एच, तो ये अमीनो एसिड ग्लाइसिन कहलाता है, ठीक है। अगर आर के बदले CH3 है, मिथाइल ग्रुप है यहाँ पे, तो ये दूसरा अमीनो एसिड बनेगा, आया समझ। सो अमीनो एसिड कैसा है, इट विल डिपेंड ऑन द आर दिस फंक्शनल ग्रुप विच वेरीज। लेकिन आपको याद रखना है आर कुछ भी हो सकता है, तो ऑन दैट बेसिस बहुत सारे अमीनो एसिड्स बन सकते हैं, लेकिन जो अमीनो एसिड्स प्रोटीन बनाते हैं वो देयर आर ओनली 20 अमीनो एसिड्स विच मेक प्रोटीन्स, राइट। नाउ इफ आर इज एच, अमीनो एसिड ग्लाइसिन कहलाता है। इफ आर इज CH3, इट इज एलानिन, और अगर आर हाइड्रोक्सीमिथाइल है CH3OH, देन अमीनो एसिड इज कॉल्ड सीरीन। तो ये आपको NCERT पे जो है स्ट्रक्चर्स इसके हैं, रेफर टू द NCERT फॉर स्ट्रक्चर्स, ठीक है। Now the chemical and physical properties of NCERT depend on the amine group, acid group and the R group. Now based on the number of amine groups and carboxylic acid groups, amino acid can be categorized into three types. सबसे पहले acidic amino acid, basic amino acid, neutral amino acid. अब आपको पहले पता है amine group basic है, एसिड ग्रुप एसिडिक है, तो पहले जो अमीनो एसिड है नेचुरली वो नॉर्मल होना चाहिए था, न्यूट्रल होना चाहिए था। लेकिन अब ऐसे अमीनो एसिड जिनमें एक जिनके आर में एक एक्स्ट्रा एसिड ग्रुप है उनको एसिडिक अमीनो एसिड्स बोलते हैं। सिमिलरली जिनके आर में एक एक्स्ट्रा अमाइन ग्रुप है उनको बेसिक, और जिनमें ना एसिड ना अमाइन वो न्यूट्रल रहते हैं, ठीक है। अब एग्जांपल क्या है एसिडिक की, ग्लूटामिक एसिड आपको याद रहेगा, लेकिन बेसिक की एग्जांपल आपको याद रखनी है लाइसिन, क्या है लाइसिन। ग्लूटामिक एसिड क्यों याद रहेगा, क्योंकि इसमें एसिड नाम में ही है, और न्यूट्रल इज न्यूट्रल की एग्जांपल है वैलिन। ये एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है, ठीक है। सम अमीनो एसिड्स कंटेन एरोमेटिक रिंग इन द आर ग्रुप, एरोमेटिक रिंग आपको पता होनी चाहिए ना, एंड ऑर्गेनिक से एरोमेटिक रिंग क्या होता है, एरोमेटिसिटी क्या होती है ना, वो कंजुगेशन टाइप्स। तो एरोमेटिक रिंग जब होगी आर ग्रुप में दे आर कॉल्ड एरोमेटिक अमीनो एसिड्स, और इसकी जो एग्जांपल है दे आर टायरोसिन TPT, यहाँ पे मैंने लिखा है या TTP, इट्स अ कंट्रोवर्शियल नेम बट TPT इज गुड, ठीक है, TTP इज काइंड ऑफ कंट्रोवर्शियल नेम है, टायरोसिन, फिनाइलएलनिन एंड ट्रिप्टोफैन। नाउ व्हाट इज ज़िविट्रायन, ज़िविट्रायन किसको हम बोलते हैं,
ए पर्टिकुलर यू नो प्रॉपर्टी ऑफ अमीनो एसिड इज़ द आयोनाइजेशन. ऑब्वियसली देखो एमाइन ग्रुप यहाँ पे एसिड ग्रुप है, इसकी टेंडेंसी क्या है, एच पॉजिटिव लूज करना, और एन एच थ्री बेसिक है, इसकी टेंडेंसी क्या है, एच पॉजिटिव गेन करना. सो जब आयोनाइजेशन होगी एन एच टू ग्रुप और सी ओ एच ग्रुप की, स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड चेंजेस एज अ पी एच चेंज. मतलब देखो क्या जुपिटर आयन होता है अमीनो एसिड का वो फार्म जहाँ पे इस सी ओ ओ एच ने एच लूज किया होता है और एन एच थ्री ने क्या किया होता है, सॉरी एन एच टू नहीं एच पॉजिटिव को, सिंस इट इज बेसिक ये इसको कैप्चर कर लेता है. अब अगर आप देखो तो इस अमीनो एसिड पे दोनों चार्जेस हैं, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी, लेकिन ओवरऑल चार्ज क्या है, जीरो. सो जुपिटर आयन इज चार्जेड लेकिन ओवरऑल चार्ज जीरो होता है, पॉजिटिव चार्ज भी इसमें होता है, नेगेटिव चार्ज भी होता है इसमें, ठीक है. अब ये जो नेचर होता है इसका, ये नॉर्मल पीएच पे ऐसा होता है. अब जैसे पीएच चेंज होता है सराउंडिंग्स का, वैसे ही ये भी खुद में एडजस्ट करता है. फॉर एग्जांपल अगर एसिडिक पीएच हुआ, एसिडिक पीएच में क्या होगा, एच पॉजिटिव एक्सेस में होगा तो एक और एच पॉजिटिव आएगा, वो किस पे, इस सीओ नेगेटिव पे चढ़ के ऐसे ये ऐसे बनाएगा बनेगा. और एट बेसिक पीएच क्या होगा, ये एट बेसिक पीएच जो है, एट बेसिक पीएच एन एच टू जो है वो अपना स्ट्रक्चर मेंटेन करेगा, ठीक है. नाउ कमिंग ऑन द ऑप्टिकल एक्टिविटी. ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होता है, ऑप्टिकल एक्टिविटी होता है एक सोल, अगर एक फॉर एग्जांपल एक कंपाउंड है हमारे पास, हमने उसका सोल्यूशन बना लिया और हमने फिर प्लेन पोलराइज्ड लाइट उससे ट्रैवल कराई, अगर वो इसको रोटेट करता है तो उसको हम बोलते हैं ऑप्टिकली एक्टिव है. फॉर डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, लीवो रोटेटरी है, दैट इज डिफरेंट. बट इस कंपाउंड जो हमने पहले जिसका सोल्यूशन बनाया था उसको हम बोलते हैं ऑप्टिकली एक्टिव. एंड फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होना चाहिए, कंपाउंड्स कंटेनिंग कायरल कार्बन. कायरल कार्बन हो गए, ये जो कार्बन था ना, इसकी चार वैलेंसीज हैं, ये चार वैलेंसीज मस्ट बी सेटिस्फाइड बाई फोर डिफरेंट ग्रुप्स, राइट, आर ऑप्टिकली एक्टिव. देयरफॉर ऑल अमीनो एसिड्स आर ऑप्टिकली एक्टिव एक्सेप्ट ग्लाइसिन. ग्लाइसिन क्यों नहीं है, आपको मैंने पहले ही बोला था कि ग्लाइसिन में क्या होता है, ग्लाइसिन में होता है, ग्लाइसिन में जो R होता है दैट इज H. सो अगर R H है तो दो H आ गए. सो देयर आर नो फोर डिफरेंट कंपाउंड्स और देयर आर नो फोर डिफरेंट ग्रुप्स विच सेटिस्फाई द वैलेंसी ऑफ कार्बन, दो की जगह कॉमन है, तो ऑल अमीनो एसिड जो होते हैं वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं एक्सेप्ट ग्लाइसिन. सो डी फॉर्म भी हो सकती है, एल फॉर्म भी हो सकती है, लेकिन मतलब लीवो रोटेटरी, लेकिन एल फॉर्म जो होती है, एल फॉर्म इज मेन इन अमीनो एसिड्स, ठीक है. क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड्स ऑन द बेसिस ऑफ एसेंशियलिटी. अब एसेंशियल अमीनो एसिड्स वो होते हैं जो बॉडी नहीं बना सकती, सो हमको उनको खाना पड़ता है थ्रू डाइट, वेल एज नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स जो है वो हम हमारी बॉडी जो है बनाती है, उनको लेने की जरूरत नहीं होती, ठीक है. अब इसकी जो है 20 अमीनो एसिड्स मैंने आपको पहले ही बोला था जो प्रोटीन बनाते हैं, उनमें से जो 10 है 10 एसेंशियल होते हैं, और उसकी निमोनिक जो है दैट इज फाइनल हैंडसम अर्जुन ट्राई टू मीट लूसी 3-9 ऑन वैलेंटाइन, ठीक है. कोई और निमोनिक है किसी के पास, वो ए वी हिल MPTT हमें सर ने बोली थी. मकसद यह है कि ये नाम याद रहने चाहिए, फिनाइल एलनिन, हिस्टिडीन, आर्जिनिन, ट्रिप्टोफैन, मिथियोनिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, लाइसिन, थ्रियोनिन एंड वैलिन, राइट. सो लेट्स हैव अ ब्रेक फॉर सम टाइम. सो नाउ वी विल लुक एट हाउ अमीनो एसिड्स मेक प्रोटीन्स, ठीक है. प्रोटीन्स क्या होते हैं, दे आर पॉलीमर्स ऑफ अमीनो एसिड्स वायर अमीनो एसिड्स आर लिंक्ड टू ईच अदर बाय बॉन्ड कॉल्ड पेप्टाइड बॉन्ड. देखो अब यहाँ पे देखो, ये एक अमीनो एसिड है ग्लाइसिन और ये एक अमीनो एसिड है एलेनिन, इन दो के बीच में बॉन्ड बना जिसका नाम है पेप्टाइड बॉन्ड. पेप्टाइड बॉन्ड किन के बीच में होता है, अमीनो एसिड्स के बीच में, प्रोटीन में. अब इसमें क्या होता है, आप देख सकते हो ये COOH ग्रुप ऑफ ग्लाइसिन और H ऑफ NH3 ऑफ एलेनिन, यहाँ से वाटर निकलता है और ऐसे हमें पेप्टाइड बॉन्ड बना. सो ऐसे ही जो है और अमीनो एसिड जुड़ते जाएंगे, वैसे टेट्रा पेप्टाइड, पेंटा पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड, प्रोटीन बनेगा, ठीक है. देर आर 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स विच मेकअप प्रोटीन्स, देयरफॉर प्रोटीन्स आर हेटेरोपॉलीमर्स. हेटेरोपॉलीमर्स मतलब ये जो होते हैं, दे आर मेड ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स, लाइक ग्लाइसिन पहली जगह पे, दूसरे पे एलेनिन, ऐसे ही दे आर कॉल्ड हेटेरोपॉलीमर्स. नाउ केमिस्ट्री जो है, केमिस्ट्री में डेफिनेशन क्या है इसकी ना, प्रोटीन की. प्रोटीन्स आर पॉलीपेप्टाइड्स हैविंग मोर देन 100 अमीनो एसिड्स और जो मॉलिक्यूलर वेट होता है ग्रेटर देन 10 किलो डाल्टन इज कॉल्ड प्रोटीन, ठीक है. एक्सेप्शन इसकी इंसुलिन है. इंसुलिन इज अ प्रोटीन जिसमें कितने अमीनो एसिड्स होते हैं, 51.
मूविंग फॉरवर्ड फंक्शंस ऑफ प्रोटीन्स, ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन, कैरियर प्रोटीन्स, फाइट इन्फेक्शंस लाइक एंटीबॉडीज भी प्रोटीन्स ही होती हैं, और एंजाइम्स भी मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होते हैं, प्रोटीन्स ही। टेबल 9.5 ऑफ एनसीईआरटी, इसमें एक बार जाके देख लेना। एमंग एनिमल्स जो होता है, कोलेजन इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल वर्ल्ड। ऑन द होल बायोस्फीयर, रूबिस्को, राइबुलोज, बायोफॉस्फेट, कार्बोक्सिलेज, ऑक्सीजनेज इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन। सो मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल्स इज कोलेजन, और ओवरऑल जो सबसे मोस्ट कॉमन है वो है रूबिस्को। रूबिस्को इज ओवरऑल द मोस्ट कॉमन प्रोटीन, ठीक है। नाउ प्रोटीन्स जो होते हैं, प्रोटीन्स दो टाइप के हो सकते हैं, फाइब्रस और ग्लोबुलर, ये उनकी केमिस्ट्री है, ठीक है। फाइब्रस में क्या होता है, फाइब्रस में जो पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं, दीज पॉलीपेप्टाइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर, वाइल जो ग्लोबुलर में होते हैं, दीज पॉलीपेप्टाइड्स आर वाउंड अराउंड ईच अदर। एग्जांपल ऑफ फाइब्रस प्रोटीन, केराटिन एंड मायोसिन, एंड दे आर वाटर सॉल्युबल। वाइल जो ग्लोबुलर होता है, इसकी एग्जांपल है इंसुलिन, एल्ब्यूमिन, और दे आर वाटर इनसॉल्युबल। ये याद रखना, ये जो केमिस्ट्री में बायोमोलिक्यूल्स है उसको भी कवर कर लेती है ये पॉइंट जो मैंने केमिस्ट्री साथ में लिखा है, ठीक है। सो ये एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आ चुका है कि फाइब्रस प्रोटीन के एग्जांपल क्या है, ग्लोबुलर प्रोटीन के एग्जांपल क्या है, ठीक है। ठीक, नाउ कमिंग फॉरवर्ड, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, ठीक है। अगर आप बात की, एनसीईआरटी पे एक लाइन दी हुई है कि अगर आप बात करो स्ट्रक्चर ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, तो उनकी मॉलिक्यूलर फार्मूला है, इनकी जो है उनका स्ट्रक्चर होता है। फॉर एग्जांपल एनएसीएल है, एनएसीएल का अगर आपको बोलेगा स्ट्रक्चर ऑफ एनएसीएल, आप एनएसीएल ही बोल दोगे, ठीक है। नाउ स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स कैसे हम पढ़ते हैं, ठीक है। अब पहली बात आपको याद रखना है कि जो बायोलॉजिस्ट होते हैं, दे डिस्क्राइब प्रोटीन स्ट्रक्चर एट फोर लेवल्स। कौन कौन सा, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी और क्वार्टरनरी। देखो, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन का मतलब क्या होता है, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन का मतलब हो गया कि सीक्वेंस क्या है अमीनो एसिड्स का, ठीक है। पहली पोजीशन पे कौन सा अमीनो एसिड है, दूसरी पोजीशन पे कौन सा अमीनो, पॉलीपेप्टाइड चेन जो है अमीनो एसिड में उसमें सीक्वेंस क्या है ना अमीनो एसिड्स का, ठीक है। दैट इज पोजिशनल इंफॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन, विच इज द फर्स्ट विच इज द सेकंड, इज कॉल्ड द प्राइमरी स्ट्रक्चर। ये है प्राइमरी स्ट्रक्चर, राइट। इन प्राइमरी स्ट्रक्चर जो प्रोटीन होता है, इज इमेजिनड एज अ लाइन, द लेफ्ट एंड ऑफ विच रिप्रेजेंट द फर्स्ट अमीनो एसिड्स, बाईनी तरफ पहला अमीनो एसिड होता है, पहला अमीनो एसिड होता है, और जो राइट वाला एंड होता है वहाँ पे द लास्ट अमीनो एसिड। द फर्स्ट अमीनो एसिड इज आल्सो कॉल्ड एन टर्मिनल अमीनो एसिड, व्हाइल एज अ लास्ट वन इज कॉल्ड सी टर्मिनल अमीनो एसिड। सो एन सी फर्स्ट, जैसे यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस है, एन सी, तो यह आपको रखना है कि पहले एन सी है, मतलब पहला अमीनो एसिड एन टर्मिनल और दूसरा है सी टर्मिनल। नाउ सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या है, द प्रोटीन थ्रेड डज नॉट एग्जिस्ट थ्रू आउट एज एन एक्सटेंडेड रिजिड रॉड बट गेट्स फोल्डेड। मतलब जो हमने पहले प्राइमरी स्ट्रक्चर पढ़ा था कि सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स, अब सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या देखते हैं कि ये जो ये प्राइमरी थ्रेड था, ये जो ऐसी लाइन थी, ये कैसे फोल्डेड है, क्योंकि प्रोटीन तो वैसे एग्जिस्ट नहीं ना करता एज सिंगल लाइन, वो फोल्डेड पैटर्न में एग्जिस्ट करता है। नाउ ये जो फोल्डिंग होती है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन सी एंड एन ग्रुप ऑफ सेम चेन हो सकती है, या हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है बिटवीन सी एंड एन ग्रुप ऑफ एडजेसेंट चेन्स। मतलब इसका क्या है, देखो यार क्या है, मतलब इसका एक सेकंड इस पर यहाँ पे देख, हाँ यहीं पे समझा दूंगा मैं आपको, इसी वाले पेज पे। देखो अब क्या होगी, अब इस प्राइमरी स्ट्रक्चर का क्या होगा, इसकी फोल्डिंग होगी यहाँ पे NCNC, ठीक है। ये अब क्या बोल रहा है आपको, ये आपको बोल रहा है कि अब इन प्राइमरी चेन्स, ये दूसरी चेन है NCNC, अब इन चेन्स की जो है फोल्डिंग होगी। फोल्डिंग कैसे होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है N और C ग्रुप में, N के ग्रुप में और C के ग्रुप में, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप में और एमाइन ग्रुप में, ठीक है। अब अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई बिटवीन C एंड N ग्रुप ऑफ सेम चेन, मतलब ये अगर चेन वन है, अगर इसके बीच में हुई N इसी का, C भी इसी का, इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई, तो वहाँ पर जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनेगा उसको हम बोलते हैं अल्फा हेलिक्स, ठीक है। अब अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई बिटवीन द एन ऑफ फर्स्ट चेन एंड द सी ऑफ सेकंड चेन लाइक दिस, तो तब जो स्ट्रक्चर बनेगा दैट इज कॉल्ड बीटा प्लेटेड शीट्स, ठीक है, अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड शीट्स। नाउ टर्शियरी स्ट्रक्चर, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, दिस इज देयर अकर्स फर्दर फोल्डिंग। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में फोल्डिंग हुई थी, फर्दर फोल्डिंग ऑफ द सेकेंडरी स्ट्रक्चर इंटू अ हॉलो वूलन बॉल लाइक स्ट्रक्चर लाइक दिस, ऐसे बनता है, गिव्स राइज टू टर्शियरी स्ट्रक्चर। दिस गिव्स अ थ्री डायमेंशनल व्यू, सो 3D व्यू कौन देता है, टर्शियरी, राइट। नाउ टर्शियरी स्ट्रक्चर इज एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर बायो
बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ प्रोटीन, एग्जांपल एंजाइम. सो अगर आपको ऐसे क्वेश्चन आता है कि इन विच स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन इज बायोलॉजिकली एक्टिव, सो एक्टिविटी के स्ट्रक्चर में होती है टेरिशरी स्ट्रक्चर में. द फोर्सेज विच होल्ड द टेरिशरी स्ट्रक्चर टुगेदर, इसमें वेद मैंने लिखी है निमोनिक VEDH, मतलब वेंडरवाल फोर्सेज. ये असल में याद नहीं रहते, कभी ऐसे ऑप्शन क्वेश्चन आता है ना कि टेरिशरी स्ट्रक्चर कौन कौन फोर्सेज में की वजह से एक दूसरे के साथ वो ग्लोबल किन फोर्सेज की वजह से बनता है. इसमें चार फोर्सेस हैं, वैंडरवाल फोर्सेस, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, डाइसल्फाइड बॉन्ड एंड हाइड्रोजन बॉन्ड. सो ये आपको याद रखने, चार नाम बहुत इंपॉर्टेंट है. अब क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर है स्पेशल स्ट्रक्चर, मतलब कुछ ही प्रोटीन्स में होता है. सम प्रोटीन आर एन असेंबली ऑफ मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड, एग्जांपल ह्यूमन हीमोग्लोबिन इज मेड अप ऑफ फोर सब यूनिट्स, अल्फा 2 बीटा 2. हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर होता है चार पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं और दो टाइप के पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं, ठीक है. द स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ द सब यूनिट्स ऑफ ए प्रोटीन विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर, सो अल्फा का स्ट्रक्चर कैसा होगा विथ रिस्पेक्ट टू बीटा, अरेंजमेंट क्या होगा. दिस इज कॉल्ड क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर, आल्सो कॉल्ड आर्किटेक्चर ऑफ द प्रोटीन. सो क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर आपको याद रखना है कि हीमोग्लोबिन में होता है, इसको आर्किटेक्चर बोलते हैं प्रोटीन का, राइट. नाउ कमिंग ऑन द सेकंड बायो मैक्रो मॉलिक्यूल, दैट इज कार्बोहाइड्रेट. ये कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन क्या है, इट्स बायो मॉलिक्यूल कंसिस्टिंग ऑफ कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन एटम्स, यूजुअली विद ए हाइड्रोजन ऑक्सीजन एटम रेशियो 2:1. मतलब इसमें जो होता है इट इज़ मेड अप ऑफ कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम्स, और जिसमें क्या होता है हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन एटम रेशियो होता है 2:1. दे ऑकर इन लिविंग टिश्यू एंड फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च सेलुलोज एंड शुगर्स, ठीक है. नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स सबसे पहले किन बेसिस पे होती है, ठीक है. अगर हमने कार्बोहाइड्रेट को क्लासिफाई करना है तो सबसे पहले हम ऑन द बेस ऑफ हाइड्रोलिसिस करते हैं, दूसरा ऑन द बेस ऑफ टेस्ट एंड सॉलिबिलिटी, और तीसरा रिड्यूसिंग नेचर. अगर हम हाइड्रोलिसिस की बात करें, मतलब ब्रेक डाउन विद द हेल्प ऑफ वाटर, अगर एक कार्बोहाइड्रेट है वो हाइड्रोलाइज नहीं होता है, वो ब्रेक नहीं होता है, मतलब वो सिर्फ एक मोनोमर का बना है, एक मोनोसैकेराइड का बना है, दैट इज मोनोसैकेराइड, ठीक है. अगर वो हाइड्रोलाइज हुआ और वहाँ से 2 से 10 सब यूनिट्स निकले, मतलब 2 से 10 मोनोसैकेराइड्स निकले वहाँ से, दैट इट इज़ कॉल्ड ऑलिगोसैकेराइड. ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है यार, कब हम ऑलिगोसैकेराइड बोलेंगे, कब हम पॉलीसैकेराइड बोलेंगे. सो ऑलिगोसैकेराइड इज 2 to 10 सब यूनिट्स, वेल एज अगर हमने ब्रेक डाउन विद द हेल्प ऑफ वाटर जब किया, वहाँ से मोर देन 10 यूनिट्स निकले, मोर देन 10 मोनोसैकेराइड्स निकले, देन इट इज़ पॉलीसैकेराइड, राइट. नाउ सेकंड ऑन द बेस ऑफ टेस्ट एंड सॉलिबिलिटी, वो जो मीठे होते हैं दे आर कॉल्ड शुगर्स, और नॉन शुगर जो मीठे नहीं होते. अब शुगर्स क्या होते हैं, दे आर स्वीट इन टेस्ट, नॉन शुगर्स आर नॉट स्वीट इन टेस्ट. शुगर जो होते हैं दे आर सॉलिबल इन वाटर, नॉन शुगर्स नॉट सॉलिबल इन वाटर. और जो शुगर्स होते हैं ये होते हैं या तो मोनोसैकेराइड्स या तो डाइसैकेराइड्स, वेल एज पॉलीसैकेराइड्स क्या होते हैं, नॉन शुगर्स, राइट. नाउ रिड्यूसिंग नेचर, अब हमने देखना है रिड्यूसिंग नेचर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इसमें एग्जाम्पल सक्रोज जो है ये बहुत बार आ चुका है. अब ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जो टॉलन और फैलिंग्स रिएजेंट को रिड्यूस करें उनको रिड्यूसिंग शुगर्स बोलते हैं, और जो टॉलन और फैलिंग्स रिएजेंट, ये आप टॉलन फैलिंग रिएजेंट्स है ना, ये आप पढ़ोगे केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक में बहुत अच्छे से, ठीक है. यहाँ पे नाम याद रखना वो काफ़ी है, ठीक है. अब रिड्यूसिंग शुगर कौन कौन है, सारे मोनोसैकेराइड्स रिड्यूसिंग शुगर्स है, और डाइसैकेराइड्स भी, लाइक दैट ऑफ यहाँ पे जो हमने शुगर बोला था, मोनोसैकेराइड डाइसैकेराइड्स और शुगर्स रिड्यूसिंग नेचर में भी सेम है, लेकिन एक्सेप्शन है इसकी सक्रोज. सक्रोज एक ऐसा डाइसैकेराइड है जो नॉन रिड्यूसिंग है, ठीक है. सो सक्रोज और बाकी पॉलीसैकेराइड जितने भी बचे वो क्या है, दे आर नॉन रिड्यूसिंग. नाउ मोनोसैकेराइड्स क्या होते हैं, मोनोसैकेराइड्स आर पॉलीहाइड्रोक्स एल्डिहाइड्स और पॉलीहाइड्रोक्स कीटोन्स विच डू नॉट अंडरगो हाइड्रोलिसिस, वो आपने देख लिया अभी, ठीक है. मतलब इसके कहने का मतलब क्या है कि मोनोसैकेराइड जो होते हैं इनमें या तो पॉलीहाइड्रोक्स हो गया, OH ग्रुप जो होते हैं वो बहुत होते हैं, दे आर मेनी, और उसके साथ साथ क्या होता है, या तो एक एल्डिहाइड ग्रुप होगा या तो एक कीटोन ग्रुप होगा. और तीसरी खासियत क्या है, जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं ये हाइड्रोलाइज नहीं होते क्योंकि ये सिंगल यूनिट का बना होता है. अब देखो, अब अगर वो वाले मोनोसैकेराइड जिनमें एल्डिहाइड होता है उनको अल्डोजेस बोलते हैं, और जो जिनमें कीटोन होता है दे आर कॉल्ड कीटोजेस, ठीक है. अब अल्डोज जो होता है, अल्डोजेस के लिए सुफिक्स लगता है ओज, और कीटोज के लिए जो है उनमें सुफिक्स लगता है यूलोज. फॉर एग्जांपल अगर 4 कार्बन वाला हमारे पास है अल्डिहाइड वाला मोनोसैकेराइड, उसको हम एरिथ्रोज बोलते हैं. सिमिलरली कीटोज अगर हुआ, अगर उसमें कीटोन ग्रुप हुआ तो एरिथ्रोलोज बोलेंगे, राइबोज राइबुलोज. लेकिन ये जो 6 वाला ग्लूकोज है, अगर ग्लूकोज हुआ, अगर 6 कार्बन वाला मोनोसैकेराइड है और उसमें ग्रुप है कौन सा,
एल्डिहाइड का देन इट इज़ ग्लूकोज, और अगर कीटोन का है देन इट इज़ फ्रक्टोज। ठीक है, नाउ डाइसेकेराइड्स, डाइसेकेराइड्स वो वाले कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो हाइड्रोलिसिस पे दो मोनोसेकेराइड्स देते हैं। ठीक है, अब इसमें एग्जांपल है सिलिम, सिलिम और आई इसमें नहीं एग्जिस्ट करता, सिलिम आपको याद रखना है, सक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज। अब सक्रोज का कॉमन नेम क्या है, टेबल शुगर जो हम चीनी हमें घर में होती है, लैक्टोज वो वाला शुगर जो दूध में प्रेजेंट होता है, और माल्ट, माल्ट वो संतरे वंतरे उनमें जो होता है दैट्स कॉल्ड माल्टोज। सक्रोज किस चीज़ का बना होता है, अल्फा ग्लूकोज और बीटा फ्रक्टोज का, लैक्टोज बना होता है बीटा ग्लूकोज और बीटा गैलेक्टोज का, और माल्टोज जो होता है अल्फा ग्लूकोज एंड अल्फा ग्लूकोज। ठीक है, ये अल्फा बीटा क्या होता है अगर आगे इसमें हुआ तो ठीक है, नहीं तो केमिस्ट्री में आप पढ़ोगे कि जो OH और C2 OH की ऑरिएंटेशन होती है वो ऊपर की तरफ हुई तो बीटा होती है, नीचे की तरफ हुई रिंग स्ट्रक्चर में ना, वो आप आगे देखोगे। लेकिन यहाँ पे याद रखने वाली बात ये है कि सक्रोज में अल्फा ग्लूकोज और बीटा फ्रक्टोज होता है, लैक्टोज में बीटा ग्लूकोज और बीटा गैलेक्टोज होता है, वेरियस माल्टोज में अल्फा ग्लूकोज अल्फा ग्लूकोज, ये ऐसे ही मतलब वन लाइनर आते हैं। ठीक है, नो पॉलीसेकेराइड्स आर बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स विच अपन हाइड्रोलिसिस यील्ड मोर देन 10 यूनिट्स ऑफ मोनोसेकेराइड्स। ठीक है, दे आर जॉइंट टुगेदर विद द हेल्प ऑफ ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड फॉर्मड बिटवीन टू कार्बन ऑन एडजेसेंट मोनोसेकेराइड्स बाय डिहाइड्रेशन। देखो, हमने पहले भी बोला था कि जो प्रोटीन्स होते हैं उनमें जो बॉन्ड होता है दैट्स कॉल्ड पेप्टाइड बॉन्ड, वहाँ पे भी हाइड्रोलिसिस होती है, और पॉलीसेकेराइड जो होता है, ये सॉरी हाइड्रोलिसिस नहीं डिहाइड्रेशन होती है, मतलब वाटर मॉलिक्यूल निकलता था ना, पॉलीसेकेराइड्स आर मेड अप ऑफ मोनोसेकेराइड्स, दीज मोनोसेकेराइड्स आर लिंक्ड विद ईच अदर विद द हेल्प ऑफ अ बॉन्ड एंड दैट बॉन्ड इज कॉल्ड ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। सो पॉलीसेकेराइड्स में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, पॉलीपेप्टाइड्स आर प्रोटीन्स में पेप्टाइड बॉन्ड, और दोनों जगह क्या होता है डिहाइड्रेशन होता है। ठीक है, नाउ अगर ये पॉलीमर बना, अगर ये पॉलीसेकेराइड बना है सेम यूनिट से, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ग्लूकोज है, ये सिर्फ ग्लूकोज 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 का बना, तब हम इसको बोलते हैं होमोपॉलीसेकेराइड। अगर ये फॉर एग्जांपल पहले ग्लूकोज फिर फ्रक्टोज फिर गैलेक्टोज, मतलब डिफरेंट मोनोसेकेराइड्स आर जॉइंड टुगेदर फिर हेटेरोपॉलीसेकेराइड, जैसे हमने बोला था प्रोटीन्स आर हेटेरोपॉलीमर्स। ठीक है, तो उनमें पहले ही हमको पता है वहाँ पे होमोपॉलीमर एग्जिस्ट नहीं करता, प्रोटीन पहले से ही पता है हमको यार हेटेरोपॉलीमर्स, बट पॉलीसेकेराइड्स कैन बी होमोपॉलीसेकेराइड्स एज वेल एज हेटेरोपॉलीसेकेराइड्स। ठीक है, अब होमोपॉलीसेकेराइड्स की एग्जांपल क्या है, ग्लाइकोजन, स्टार्च, सेलुलोज, काइटिन, इनुलिन, नॉट इंसुलिन, इट इज इनुलिन दैट विच द पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज एंड डेक्सट्रिन। ये एग्जांपल्स आपको याद रखनी है मोस्टली जो जो जिन जिन पे मैंने स्टार लगाया है। ठीक है, अब हेटेरोपॉलीसेकेराइड्स लाइक हाइलुरोनिक एसिड, पेक्टिन, हिपेरिन, हेमिसेलुलोज। अब हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे स्टार्च। स्टार्च क्या है, यहाँ पे आपको समझ आ गया होगा, इट्स अ होमोपॉलीसेकेराइड ऑफ ग्लूकोज मोनोमर्स, ग्लूकोज के मोनोमर्स का बना होता है, एंड द स्टोरेज फॉर्म ऑफ ग्लूकोज इन प्लांट्स। बहुत बार आपने पढ़ा होगा कि प्लांट्स में जो होता है ग्लूकोज स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। ठीक है, अब इसके दो पार्ट्स है। अब अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास स्टार्च है उसके दो पार्ट्स है, एक पार्ट जहाँ पे ब्रांचिंग होती है, दूसरा पार्ट जहाँ पे ब्रांचिंग नहीं होती। अब जो अनब्रांचड पार्ट, ब्रांचिंग मतलब क्या होता है, फॉर एग्जांपल दिस इज ग्लूकोज ग्लूकोज ग्लूकोज, ये स्ट्रेट चेन है ना, अब इस ग्लूकोज के साथ बीच में एक और ग्लूकोज ऐड है, तो ये होगी ब्रांचिंग। अगर ये लीनियर होता तो कोई ब्रांचिंग नहीं होती, तो वो नॉन ब्रांचिंग था। ठीक है, अब जो ये ब्रांचड पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं एमाइलोपेक्टिन, और ये कॉन्स्टिट्यूट करता है 85% स्टार्च का, वाइल एज जो अनब्रांचड पार्ट है उसको हम बोलते हैं क्या, एमाइलोज एमाइलोज, एंड दैट इज 15-20%। नाउ कमिंग ऑन द ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन से होमोपॉलीसेकेराइड ऑफ अल्फा ग्लूकोज, सिमिलरली अल्फा ग्लूकोज होता है किस में, स्टार्च में भी, यहाँ पे भी, एंड स्टोरेज फॉर्म ऑफ ग्लूकोज इन एनिमल्स, ये भी आपको पता होगा, आल्सो कॉल्ड एनिमल स्टार्च। सो एनिमल स्टार्च किसको हम बोलते हैं, ग्लाइकोजन को। स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू एमाइलोपेक्टिन पार्ट ऑफ द स्टार्च, सो एमाइलोपेक्टिन पार्ट क्या था, ब्रांचड पार्ट। सो मतलब अगर आपको कोई बोलेगा कि जो ग्लाइकोजन होता है, ग्लाइकोजन कैसा होता है, स्टार्च जैसा होता है, लेकिन किस वाले पार्ट के जैसा, एमाइलोपेक्टिन वाले पार्ट के जैसा, मतलब जिसमें ब्रांचिंग होती है। इट इज प्रेजेंट इन LMB, यहाँ पे मैंने लिखा है लिवर, मसल और ब्रेन। आप खुद से कुछ बना सकते हो, मल्ब या LMB, मैंने मुझे LMB लैम्प, वहाँ पे मतलब लैम्प होता है ना वो इसका बेड का बच्चा, तो लैम मतलब लिवर, मसल और ब्रेन। नाउ कमिंग ऑन द सेलुलोज, सेलुलोज क्या है, सेलुलोज भी आपने पढ़ा होमोपॉलीसेकेराइड, लेकिन इसमें फ़र्क क्या है, सेलुलोज किन में होता है, प्लांट सेलान में, ये बीटा ग्लूकोज का होता है, अल्फा ग्लूकोज का नहीं होता, बहुत बार आ चुका है, एंड इज प्रेजेंट एक्सक्लूसिवली इन प्लांट सेलवाल, सिट्रेट चेन ऑफ बीटा, ये ना बीटा ग्लूकोज, मोस्ट एबंडेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑन प्लांट्स। आया समझ, सो पेपर, कॉटन फाइबर आर मेड अप ऑफ सेलुलोज, ये याद रखना। सबसे पहले मैंने आपको तीन चीज़ें बोली आज, ये जो मोस्ट कॉमन वाली, सबसे पहले मोस्ट कॉमन प्रोटीन इन एनिमल्स दैट इज सेलुलोज, सॉरी सेलुलोज नहीं, कोलेजन, मोस्ट कॉमन प्रोटीन ओवरऑल दैट इज रूबिस्को, प्लांट्स में तो वही हो गया ऑब्वियसली, तो ओवरऑल भी वही है, मोस्ट एबंडेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंस
कौन प्लांट्स में, दैट इज सेलुलोज। नाउ समरी ऑफ सम इंपॉर्टेंट कार्बोहाइड्रेट्स, देखो माल्टोज क्या होता है, अल्फा ग्लूकोज, अल्फा ग्लूकोज। लैक्टोज होता है बीटा ग्लूकोज, बीटा गैलेक्टोज। सक्रोज होता है अल्फा ग्लूकोज, बीटा फ्रैक्टोज। सेलुलोज होता है ओनली बीटा ग्लूकोज, ग्लाइकोज होता है अल्फा ग्लूकोज ओनली। स्टार्च में होता है एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन, वो भी होते, दोनों होते किसके, अल्फा ग्लूकोज के, राइट। नाउ कमिंग ऑन द आयोडीन टेस्ट, ठीक है। यस हाँ, ये शायद करना है। काइटिन, देखो काइटिन जो है ना, काइटिन मैंने बोला था ना आपको, वहाँ पे क्या है, इट इज़ अ होमोपॉलीसेकेराइड, बट इट इज़ नॉट ऑफ सिंपल दिस मोनोसेकेराइड, इट इज़ ऑफ एमाइनो शुगर्स, ठीक है। एन एस्टाइल ग्लूकोजामीन, एन ए जी, टू फॉर्म एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड्स। जब एनिमल किंगडम पढ़ोगे आप, पढ़ोगे आर्थ्रोपोड्स में एक्सोस्केलेटन होता है, वो बना होता है काइटिन का। तो यहाँ पे बायोमोलिक्यूल्स में आपको क्या पढ़ना है कि काइटिन क्या होता है, होमोपॉलीसेकेराइड होता है किसका, नाग का, एन एस्टाइल ग्लूकोजामीन, जो कि एमाइनो शुगर है, ठीक है। अब ये जो सच पॉली सेकेराइड्स होते हैं, दे आर मेड अप ऑफ मॉडिफाइड बिल्डिंग ब्लॉक्स, है ना। फॉर एग्जांपल गैलेक्टोज था, गैलेक्टोज से हमने बनाया एन स्टाइल ग्लूकोजामाइन। तो ये क्या है, ये मॉडिफिकेशन की हमने गैलेक्टोज की, और इसको हम बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स पॉली सेकेराइड्स, ठीक है। इन अ पॉली सेकेराइड चेन, राइट एंड इज कॉल्ड रिड्यूसिंग आर फॉर आर, एंड लेफ्ट एंड इज कॉल्ड नॉन रिड्यूसिंग। सो यहाँ पे आपको आर आर याद रखना है, रिड्यूसिंग फॉर आर। नाउ कमिंग ऑन द आयोडीन टेस्ट, आयोडीन टेस्ट क्या होता है, आयोडीन टेस्ट इज परफॉर्म टू डिटेक्ट प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन अ सैंपल और नॉट, ठीक है। अब देखो जो स्टार्च होता है, स्टार्च में क्या होता है, स्टार्च में आपने पहले ही बोला था कि एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन होता है। स्टार्च की प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर हमने आयोडीन एक स्टार्च सैंपल में दिया, तो वो जो स्टार्च होता है, स्टार्च के स्ट्रक्चर्स आयोडीन को अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है और वो ब्लू कलर देता है। तो अगर हमारे पास एक सैंपल है, फॉर एग्जाम्पल हमको पता ही नहीं इसमें क्या है, अगर हमने उस पर आयोडीन डाला और वो ब्लू आ गया, तो हमको क्या ना वहाँ से जो है हमें क्या मिला वहाँ से, कि उस वाले सैंपल में स्टार्च है, ठीक है। तो स्टार्च का कब होना वहाँ पे श्योर है। अब देखो, दिस इज बिकॉज स्टार्च फॉर्म्स हेलिकल सेकेंडरी स्ट्रक्चर एंड कैन होल्ड आयोडीन मॉलिक्यूल्स विच सेलुलोज कैन नॉट। अब इसमें आपको याद क्या रखना है, SBI बैंक होता है ना, मतलब स्टार्च ब्लू ऑन आयोडीन, ठीक है। एक्स्ट्रा पॉइंट्स यहाँ पे हैं, स्वीटेस्ट शुगर जो है फ्रैक्टोज हैं। ब्रेन शुगर किसको बोलते हैं, गैलेक्टोज को। ब्लड शुगर हो गया ग्लूकोज, ब्लड शुगर मतलब जो हमें डायबिटीज़ में जो ब्लड शुगर मेजर करते हैं, तो हम क्या मेजर करते हैं, ग्लूकोज। फ्रूट शुगर इज फ्रैक्टोज, केन शुगर इज सक्रोज, जैसे मैंने चीनी बोला था, केन मतलब हो गया गन्ना। टेबल शुगर सक्रोज, मिल्क शुगर इज लैक्टोज। सो ये आपको अगर मतलब ऐसे याद रखने के लिए अच्छी चीज़ है, बाकी इट इज़ अप टू यू, अप टू योर कैपेबिलिटी, हाउ मच यू कैन रिमेम्बर, ठीक है। काइटिन भी हो गया, हाँ। नाउ लिपिड्स, वी आर डन विद द पॉलीसेकेराइड्स। लिपिड्स क्या है, दे आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दैट आर मेड ऑफ फैटी एसिड्स, मेड अप ऑफ फैटी एसिड्स एंड और ग्लाइसरॉल और देयर डेरिवेटिव्स, एंड दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर, जैसे ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड में बोला था, बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, दैट इज नेचुरल स्टीरॉइड्स, फैट्स, ठीक है। फैटी एसिड हैज़ अ कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच टू एन आर ग्रुप, द आर ग्रुप कैन बी मिथाइल और इथाइल और इधर और नो, ठीक है। ये है एक फैटी एसिड का स्ट्रक्चर, मतलब फैटी एसिड में कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होगा, ठीक है। उसके बाद जो है अटैच टू द आर, ठीक है। आर मतलब ये वाला पार्ट, आर हो सकता है मिथाइल, CH3 इथाइल और हायर नंबर, ठीक है। अब NCERT में क्या दिया गया है, NCERT में दिया गया है कुछ फैटी एसिड्स जिनका N डिफाइंड है। फॉर एग्जाम्पल इफ N इज 14, मतलब CH3 उसके बाद 14 CH2 फिर COOH, उस वाले फैटी एसिड को हम पालमिटिक एसिड बोलते हैं। और इफ N इज 18, N अगर 18 है तो CH3 फिर 18 टाइम्स CH2 फिर COOH, देन इट इज़ एरेक्डोनिक एसिड। सो ये आपको याद रखने है नाम, ठीक है। नाउ अगर फैटी एसिड्स में डबल बॉन्ड हुआ, उनको हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, और अगर डबल बॉन्ड नहीं हुआ, उनको हम सैचुरेटेड फैटी एसिड्स बोलते हैं। और आपको ये पहले ही याद रखना है कि जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, दे आर गुड फॉर हेल्थ, कौन से, अनसैचुरेटेड। नाउ ग्लाइसरॉल जो होता है, इट इज़ एन अल्कोहल, ये ग्लाइसरॉल का स्ट्रक्चर है, CH2OH, ठीक है। ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन, अगर आपको बोलेगा कि व्हाट इज़ द एक्चुअल केमिकल फार्मूला ऑफ ग्लाइसरॉल और ऑर्गेनिक फार्मूला, सो ये है ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन। ट्राई हाइड्रोक्सी मतलब तीन हाइड्रोक्सी, प्रोपेन हो गए तीन कार्बन, है ना।
नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स, लिपिड्स की क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन क्या है, सिंपल हो सकते हैं ग्लाइसराइड्स हो सकते हैं कंपाउंड लिपिड्स हो सकते हैं। सिंपल लिपिड्स कौन से किनको हम बोलते हैं, फैटी एसिड्स और ग्लाइसरॉल। जैसे मैंने डेफिनेशन में बोला था कि लिपिड्स क्या होते हैं, ये फैटी एसिड्स हो सकते हैं, ग्लाइसरॉल या उनके डेरिवेटिव्स। अगर फैटी एसिड है, फॉर एग्जाम्पल जो मैंने अभी आपको बोला था CH3 फिर CH2 हाउ मेनी टाइम्स, 18 टाइम्स फिर COOH, तो ये मैंने बोला था आपको क्या, दिस इज एरेकिडोनिक एसिड या ग्लाइसरॉल ट्राइहाइड्रोक्सी प्रोपेन आपने अभी देखा था। नाउ ग्लाइसराइड्स क्या होते हैं, ग्लाइसराइड्स होते हैं वो वाले लिपिड्स जिनमें बोथ फैटी एसिड भी होता है और ग्लाइसरॉल भी होता है विद द हेल्प ऑफ एस्टर बॉन्ड्स, एस्टर बॉन्ड से एक दूसरे के साथ वो अटैच्ड होते हैं। देखो प्रोटीन्स में क्या पड़ा था, पेप्टाइड बॉन्ड, पॉलीसेकेराइड्स में क्या पड़ा था, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, लिपिड्स में क्या पड़ रहे हो, एस्टर बॉन्ड, ठीक है। इट कैन बी मोनोडाई और ट्राइग्लाइसराइड्स, मतलब ये CH2OH, अगर एक OH के बदले यहाँ पे एक फैटी एसिड आ गया, मतलब मोनो ग्लाइसराइड, अगर दो OH को रिप्लेस किया दो फैटी एसिड से, मतलब डाइग्लाइसराइड, और अगर तीनों को रिप्लेस किया तीन अलग अलग या सेम फैटी एसिड्स में, तो वो कहेगा ट्राइग्लाइसराइड्स, ठीक है। नाउ ये जो ये ग्लाइसराइड्स होते हैं, ठीक है, इनमें या तो हाई मेल्टिंग पॉइंट हो सकता है या लो मेल्टिंग पॉइंट हो सकता है। हाई मेल्टिंग पॉइंट मतलब होता है कि जो एज सॉलिड्स एग्जिस्ट करते हैं, और लो मेल्टिंग पॉइंट वो वाले विच रिमेन ऑयल्स इन विंटर आल्सो, ठीक है। अब ये हाई मेल्टिंग वाले जो होते हैं ग्लाइसराइड्स, दे आर कॉल्ड फैट्स। देखो आज आपको समझ आ गया कि फैट और लिपिड में क्या डिफरेंस है। लिपिड इज़ अ ब्रॉडर टर्म, वाइल एज फैट इज़ अ टाइप ऑफ लिपिड, जो पहले क्या है, जो पहले ग्लाइसराइड है जिसमें बोथ क्या फैटी एसिड भी है और ग्लाइसरॉल भी, और दूसरी चीज़ इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। सो ऐसे लिपिड्स जिनमें फैटी एसिड और ग्लाइसरॉल दोनों है और उनका हाई मेल्टिंग पॉइंट है, दे आर कॉल्ड फैट्स। तो यहाँ से आपको डेफिनेशन पता चली फैट्स की, ठीक है। दे आर लो मेल्टिंग पॉइंट्स कॉल्ड एज ऑयल्स, एग्जाम्पल जनरली ऑयल्स, ठीक है, जिनली ऑयल। देयर लिपिड्स प्रेजेंट इन न्यूरल टिश्यू हैज़ मोर कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, ये मैंने ऐसे आपको यहाँ पे लिखा है। नाउ कंपाउंड लिपिड्स, सो सिंपल लिपिड्स आ गए, ग्लाइसराइड्स आ गए और कंपाउंड लिपिड्स आ गए, लिपिड्स आ गए। कंपाउंड लिपिड्स कौन से लिपिड्स हैं, एक तो फैटी एसिड, दूसरा अल्कोहल, यही ना ग्लाइसरॉल। सो ग्लाइसराइड्स के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स थे वो इसमें हैं ही, लेकिन उसके अलावा वहाँ पे एक एडिशनल ग्रुप है। फॉर एग्जांपल अगर एडिशनल ग्रुप फॉस्फोरिलेटेड कंपाउंड हो गया, अगर एडिशनल ग्रुप कोई फॉस्फोरिलेटेड कंपाउंड है, तो इनको हम लिपिड्स को क्या बोलते हैं, फॉस्फोलिपिड्स। एग्जाम्पल लेसिथिन प्रेजेंट इन द सेल मेम्ब्रेन, ये फॉस्फोलिपिड लेसिथिन हमको पढ़ना है अच्छे से, ठीक है। देखो क्या, व्हाट इज फॉस्फोलिपिड लेसिथिन, ये आपको पता चल गया कंपाउंड लिपिड है। कंपाउंड लिपिड मतलब एक तो ये अल्कोहल भी हैं, यहाँ से क्या है, यहाँ से फैटी एसिड्स भी हैं, और अब क्या है, अब एक एडिशनल ग्रुप है। एडिशनल ग्रुप कौन है, वो फॉस्फोरिलेटेड है ना, यहाँ पे इसके पास फॉस्फेट, और ये फॉस्फोरिलेटेड है, तो ये क्या बन गया, ये फॉस्फोलिपिड है। अब अगर ये फॉस्फोरिलेटेड कंपाउंड जो है, अगर ये ऐसा है, ये है जो यहाँ पे दिखाया गया है, सो दिस इज कॉल्ड फॉस्फोलिपिड लेसिथिन। और ये फॉस्फोलिपिड लेसिथिन किस में होता है, सेल मेम्ब्रेन में होता है, ठीक है, वहाँ पे लिखा गया है। नाउ कमिंग ऑन द न्यूक्लिक एसिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स आर पॉली न्यूक्लियोटाइड्स विच फॉर्म द जेनेटिक मटेरियल ऑफ सेल, दैट इज DNA एंड RNA। फॉर न्यूक्लिक एसिड्स बिल्डिंग ब्लॉक इज न्यूक्लियोटाइड विच हैज केमिकली थ्री डिस्टिंक्ट कंपोनेंट्स। क्या क्या होता है एक न्यूक्लियोटाइड में, जैसे हमने वहाँ पे पढ़ा प्रोटीन्स में अमीनो एसिड्स का पॉलीमर होता है, पॉलीसेकेराइड्स में मोनोसेकेराइड्स का पॉलीमर होता है, लिपिड्स फॉर एग्जांपल अगर हम ग्लाइसराइड्स की बात करें, ये क्या बोलते हैं इसको, अल्कोहल दैट इज ग्लाइसरॉल और फैटी एसिड्स होते हैं। नाउ अगर हम न्यूक्लिक एसिड्स की बात करें, तो वहाँ पे जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, दे आर कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड्स। अब एक न्यूक्लियोटाइड जो होता है वो किस किस चीज़ का बना होता है, एक तो उसमें एक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड होता है, दूसरा मोनोसेकेराइड होता है, और तीसरा फॉस्फोरिक एसिड और फॉस्फेट ग्रुप होता है। सो तीन चीज़ें, एक फॉस्फेट, एक मोनोसेकेराइड और एक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, ये तीन चीज़ें जब बनती हैं तो बनता है एक न्यूक्लियोटाइड। और बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जब मिलते हैं, एन नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, तो वो बनाता है या DNA या RNA, ठीक है। अब देखो ये जो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है ये बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन उससे पहले हम जाएंगे जो मोनोसेकेराइड होता है वो क्या होता है। मोनोसेकेराइड क्या होता है, मोनोसेकेराइड एक पेंटोज होता है। अब अगर ये पेंटोज राइबोज हुआ तो RNA बनेगा, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। अगर ये डीऑक्सीराइबोज हो गया, मतलब इस पेंटोज पे जो है सेकंड पोजीशन पे ऑक्सीजन नहीं है, सो दैट इज कॉल्ड डीऑक्सीराइबोज, तो ये DNA बन गया, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, ठीक है।
नाउ ये जो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड जो होता है, इट इज़ अ रिंग मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ एटम्स. इट इज़ अ रिंग मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ एटम्स. तो साइक्लिक मतलब रिंग स्ट्रक्चर होता है, हीटेरो मतलब मोर देन वन टाइप्स ऑफ एटम्स. नाउ एंड दीज आर ऑल्सो कॉल्ड नाइट्रोजनस बेसिस. अब नाइट्रोजनस बेसिस क्या क्या हो सकती है, देखो आपको जहाँ से भी आपने पढ़ा होगा सर से वहाँ पे आपको डिटेल समझ में उसने समझा दिया होगा. मैं यहाँ पे आपको ब्रशअप कर रहा हूँ चीज़ें, या आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, या जो आप बायोमॉलिक्यूल्स पढ़ोगे ना केमिस्ट्री में, वहाँ पे भी आपको समझ में आ जाएगा ये जो नाइट्रोजनस बेसिस होती हैं, या जेनेटिक्स जब हम पढ़ेंगे वहाँ पे बहुत अच्छे से हमको ये आएगा. ये नाइट्रोजनस बेसिस जो होते हैं ये या तो प्यूरिन्स हो सकते हैं या तो पायरिमिडिन्स हो सकते हैं. प्यूरिन्स सब्स्टिट्यूटेड अगर होंगी, द नेम ऑफ दोज प्यूरिन सब्स्टिट्यूट नाइट्रोजन बेसिस आर एडिनिन एंड ग्वानिन, वाइल सब्स्टिट्यूट पायरिडिन्स जो होते हैं दे कॉन्स्टिट्यूट साइटोसिन यूरैसिल एंड थायमिन. तो यहाँ पे आपको सिर्फ याद रखना है ए जी कट. जैसे बहुत सारे बोलते हैं अपनी मामा को ए जी बोलते हैं, मैं भी बोलता हूँ अपनी मामा को ए जी. तो ए जी कट मतलब किसी कोई भी चीज़ उनको देते हैं कि ये काटो, फॉर एग्जाम्पल एक फ्रूट लाया हमने, ए जी कट मतलब ए जी मतलब प्यूरिन्स सब्स्टिट्यूट प्यूरिन्स, और कट मतलब सब्स्टिट्यूट पायरिमिडिन्स. ठीक है, अब नाइट्रोजनस बेस और पेंटोज जब रलेगा, सॉरी रलेगा नहीं मतलब एक दूसरे के साथ मिल जाएगा, तो वहाँ भी जो स्ट्रक्चर बनेगा दैट इज न्यूक्लियोसाइड. ऐसा तो होता है ना तेज तेज में, उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड. मतलब न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, न्यूक्लियोसाइड होता है एक नाइट्रोजनस बेस और एक पेंटोज. अब अगर इस नाइट्रोजनस बेस नाइक न्यूक्लियोसाइड को जब हम एक फॉस्फेट मिलाते हैं तो वहाँ पे हमें क्या मिलता है, न्यूक्लियोटाइड. सो न्यूक्लियोटाइड पहले ही आपको पता है, फॉस्फेट नाइट्रोजनस बेस और व्हाट मोनोसेकेराइड. अब अगर हम न्यूक्लियोटाइड में से फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसमें से माइनस कर दो फॉस्फेट, वहाँ पे जो स्ट्रक्चर बचेगा दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोसाइड. देखो यार यहाँ पे तो मैंने बनाए हैं इसके स्ट्रक्चर, देखो ये है प्यूरिन रिंग, ठीक है, ये है पायरिमिडिन रिंग. ठीक है, अब देखो एग्जांपल NH2 सब्स्टिट्यूटेड, अगर हमने यहाँ अगर हमने यहाँ पे NH2 लाया तो यहाँ पे H को सब्स्टिट्यूट किया विद NH2, जो वहाँ पे बेस बनेगी नाइट्रोजनस बेस बनेगी दैट इज़ व्हाट दैट इज़ कॉल्ड एडिनिन. ठीक है, सो ऐसे ही ग्वानिन भी बनेगी किसी और जगह सब्स्टिट्यूट करने के बाद. अब देखो पायरिमिडिन बेस है ना, यहाँ पे पायरिमिडिन रिंग है ना फॉर एग्जांपल. अब अगर हमने दो सब्स्टिट्यूट्स किए, एक तो यहाँ पे हमने कीटोन ग्रुप लाया, यहाँ पे कीटोन ग्रुप लाया, सो वहाँ पे जो रिजल्टेंट बनी ना नाइट्रोजन बेस दैट इज यूरैसिल. सो ये एडिनिन और यूरैसिल का स्ट्रक्चर आपको याद रहना चाहिए क्योंकि ये NCERT पे दी हुई है. ठीक है, अब देखो यहाँ पे राइबोज का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ये है राइबोज रिंग स्ट्रक्चर. ठीक है, अब अगर डीऑक्सीराइबोज की बात अगर हम करते, ये अगर है ना पहला कार्बन, सो दूसरे कार्बन पे यहाँ पे OH की जगह H होता तब ये डीऑक्सीराइबोज बनता. अब देखो हमने राइबोज मतलब शुगर और एडिनिन मतलब क्या है नाइट्रोजनस बेस, इसको एक दूसरे के साथ मिलाया तो हमें क्या मिला, हमें न्यूक्लियोसाइड मिला, और इस न्यूक्लियोसाइड को क्या हम बोलते हैं, एडेनोसिन. ठीक है, अगर हमने फॉर एग्जांपल एडेनिन के बदले ग्वानिन या थायमिन तो वैसे ही बनता गोनोसिन यूरिडिन थायमिडिन. अब इस न्यूक्लियोसाइड के साथ हमने फॉस्फेट मिलाया तो वहाँ पे न्यूक्लियोटाइड बना. न्यूक्लियोटाइड क्या बनेगा, अगर न्यूक्लियोसाइड एडेनोसिन बना था ये बनेगा एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट या एडेनाइलिक एसिड जिसको हम बोलते हैं. ठीक है, अदर्स का नाम भी आप ऐसे डिराइव कर सकते हो. सो सबसे पहले एडेनिन, उसको पेंटोज मिलाया तो एडेनोसिन बना, उसके साथ फॉस्फेट मिलाया तो एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट या एडेनाइलिक एसिड जिसको हम बोलते हैं वो बना. ठीक है, नाउ DNA न्यूक्लियोटाइड डज नॉट कंटेन यूरैसिल और RNA न्यूक्लियोटाइड डज नॉट कंटेन थायमिन. सो ये आपको पहले याद रखना है कि यूरैसिल जो है यूरैसिल्स आर रिजर्व्ड फॉर RNA वेल एज थायमिन आर रिजर्व्ड फॉर DNA. ठीक है, अब इनमें न्यूक्लिक एसिड फॉस्फेट मोइटी लिंक्स थर्ड का थर्ड कार्बन ऑफ वन शुगर ऑफ वन न्यूक्लियोटाइड टू फाइव एंड कार्बन ऑफ द शुगर ऑफ द सक्सीडिंग वन और सेम न्यूक्लियोटाइड दिस बॉन्ड बिटवीन फॉस्फेट एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ शुगर इज कॉल्ड एस्टर बॉन्ड एज देयर इज वन सच एस्टर बॉन्ड ऑन ईदर साइड इज कॉल्ड फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड. देखिए यार इसके कहने का मतलब क्या है, ऐसे आपको बहुत कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा. ठीक है ना, वन मिनट आई विल शो इट टू यू. देखो ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है ये अगर हमारे पास एक न्यूक्लियोटाइड है एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, ये है कार्बन नंबर वन, ये है कार्बन नंबर टू, ये है कार्बन नंबर थ्री, ये है कार्बन नंबर फोर, ये है कार्बन नंबर फाइव. ये बोलता है कि ये एडेनोसिन एक न्यूक्लियोटाइड है, अब ऊपर से एक और न्यूक्लियोटाइड आएगी. जब ऊपर से एक और न्यूक्लियोटाइड आएगी ना तो वो इस फॉस्फेट के साथ बाइंड होगी, लेकिन फॉस्फेट किस कार्बन पे अटैच है, फाइव डैश पे, और नीचे से जो है नीचे से
एक और न्यूक्लियोटाइड आएगी, और उस न्यूक्लियोटाइड का जैसे इस पे फास्फेट है ना, उसका जो यहाँ से फास्फेट अटैच होगा वो फास्फेट इस न्यूक्लियोटाइड के थर्ड नंबर पे ओएच के साथ बाइंड करेगा। तो यहाँ पे जो बॉन्ड बनता है दिस इज कॉल्ड एस्टर बॉन्ड बिटवीन दिस फास्फेट एंड थर्ड नंबर कार्बन। सो दोनों साइड से बनता है ना, दिस इज कॉल्ड फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड। यही इसने यहाँ पे थ्योरी में बताया, ठीक है। नाउ सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स डीएनए, जिसको हम वाटसन क्रिक मॉडल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार। सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स दैट्स डीएनए वाटसन क्रिक मॉडल। नाउ अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल DNA exists as a double helix where two strands of polynucleotides run in opposite direction, that is anti-parallel. देखो 5-3 अगर एक रन करती है, दूसरी क्या करती होगी, 3-5 है ना, ये 3-, ये 5- है, ठीक है, उल्टा, ठीक है। अब ये क्या, वाटसन एंड क्रिक मॉडल ने क्या बोला कि DNA एग्जिस्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ डबल हेलिक्स। अब ये जो बैकबोन होता है स्ट्रक्चर का, इट इज़ मेड अप ऑफ शुगर फास्फेट बॉन्ड, ऑब्वियसली है ना, शुगर फास्फेट बॉन्ड से ही बनता है ना, क्योंकि जैसे मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था कि ये अगर शुगर है, ये फास्फेट है, यहाँ से दूसरे न्यूक्लियोटाइड का फास्फेट होगा, ये यहाँ पे इस शुगर के साथ अटैच है, और इस शुगर पे यहाँ पे क्या होगा, नाइट्रोजनस बेस, सिमिलरली इस शुगर पे नाइट्रोजन। सो बैकबोन किसकी बनी होती है, फास्फेट शुगर का, है ना। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल द बैकबोन ऑफ दिस स्ट्रक्चर इज मेड अप ऑफ शुगर फास्फेट शुगर चेन एंड नाइट्रोजनस बेस जो होते हैं दे आर प्रोजेक्टेड एट अबाउट परपेंडिकुलर टू द बैकबोन। ये मैंने जो ये आपको बोला था, ये अगर बैकबोन बनी शुगर फास्फेट शुगर की, ऐसे यहाँ पे एट 90 डिग्री ऑलमोस्ट यहाँ पे बेसिस जो है वो प्रोजेक्ट करती हैं। नाउ द ए एंड जी ऑन द सेम स्ट्रेन, मतलब एडिनिन और गुआनिन ऑन द सेम स्ट्रेन पेयर कम्प्लीमेंटेरीली विद द टी एंड सी ऑन द अदर स्ट्रैंड विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि अगर ये 5- फॉर एग्जाम्पल, ये एक चेन है, दूसरी चेन है, अगर यहाँ पे एडेनिन है तो दूसरे साइड से थाइमिन होना ही चाहिए, तब जाके ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगी। और अगर यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल गुआनिन है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, साइटोसिन होना ही चाहिए, तब जाके एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड करेंगे। तो ये दो जो हेले ये दो जो स्ट्रैंड्स होंगी ये आपस में जो है एक बाउंड स्टेट में रहेंगी, तो डबल हेलिक्स तभी बनेगा, ठीक है। नाउ देयर आर टू हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन एडेनिन एंड थाइमिन एंड 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन ग्लाइसिन एंड गुआनिन एंड साइटोसिन, ठीक है। सो अगर यहाँ से ए टी मतलब दो, ए टी के बीच में दो हाइड्रोजन बॉन्ड और जी सी के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, तो यहाँ से आपको पहले ही पता होना चाहिए कि जी सी वाला बॉन्ड जो है वो ज़्यादा टफ होगा, वो ज़्यादा स्ट्रांग होगा, क्योंकि 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, राइट। नाउ ई स्ट्रैंड अपीयर्स एज ए हेलिकल स्टेयर केस, वन फुल टर्न ऑफ ए हेलिक्स वुड इन्वॉल्व 10 स्टेप्स और 10 बेस पेयर्स, देयरफॉर एट ईच स्टेप ऑफ एन एसेंट द स्ट्रैंड टर्न्स 36 डिग्री, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ये फॉर एग्जांपल हमारे पास है एक फुल टर्न है ना, ये एक फुल टर्न है। सबसे पहले हम इसका पोस्टमार्टम करते हैं। एक फुल टर्न मतलब 360 डिग्री इसने रोटेट किया होगा। अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं एक लाइन, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो फुल टर्न जब हम करेंगे तो हमने कितना एंगल ये ट्रैवर्स किया होता है, एक ये 180, एक ये 180, सो 360 डिग्री, ठीक है। एक फुल टर्न में 360 डिग्री किया। अब हमको पता है एक टर्न में 10 अमीनो एसिड्स है, 10 न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर्स हैं। सो एट ईच स्टेप व्हाट विल बी द एंगल ट्रैवर्स डिवाइडेड बाय 10, सो 36 एट ईच स्टेप, इट विल बी 36 डिग्री विच विल बी ट्रैवर्सड, राइट। और दूसरी चीज़, जो पिच होती है और लेंथ ऑफ दिस वन फुल टर्न दैट इज 34 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। देयरफॉर राइज इन बेस पेयर वुड बी 3.4, वैसे ही इसको भी करना है आपको डिवाइड बाई 10। नाउ दिस फॉर्म ऑफ डीएनए इज कॉल्ड बी डीएनए। सो वाटसन एंड क्रिक मॉडल में जो डीएनए की बात हुई थी दैट वाज अ बी डीएनए, और जो है देयर आर मेनी मोर फॉर्म्स ऑफ द डीएनए, मोर देन 12 फॉर्म्स, दीज आर द टाइप्स ऑफ डीएनए, राइट। नाउ कमिंग ऑन द एंजाइम्स, एंजाइम्स क्या है, दे आर बायोकैटलिस्ट्स व्हिच स्पीड अप द केमिकल रिएक्शंस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। फॉर एग्जांपल सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बनाना है तो बीच में क्या लगेगा, एंजाइम क्या करेगा, ये इस रिएक्शन को स्पीड अप करेगा। ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स एक्सेप्ट राइबोसोम्स विच आर न्यूक्लिक एसिड बाय केमिस्ट्री, ये आपको इसमें कोई समझाने की बात तो है नहीं। एंजाइम्स आर एक्टिव इन टेरिशरी स्ट्रक्चर, जो मैंने आपको प्रोटीन स्ट्रक्चर में बोला था, इन विच फोल्डिंग रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ मेनी पॉकेट्स कॉल्ड क्रेवाइसेस। मतलब ये जो टेरिशरी स्ट्रक्चर ऐसे ऐसे बनता था, वहाँ पे कुछ फोल्डिंग्स बनती हैं और देयर आर सम क्रेवाइसिस, पॉकेट्स जैसे बनते हैं, और उन पॉकेट्स को क्या बोलते हैं, क्रेवाइसिस। नाउ सम क्रेवाइसिस हैव एफिनिटी टू गेट अटैच टू द सबस्ट्रेट, सच क्रेवाइसिस आर कॉल्ड एक्टिव साइट्स विच आर स्पेसिफिक फॉर द सबस्ट्रेट। सो एक्टिव साइट्स स्पेसिफिक फॉर द सबस्ट्रेट होता है कि अगर फॉर एग्जाम्पल एक सबस्ट्रेट ए है, उसके लिए जो है ये एक्टिव साइट सिर्फ
स्पेसिफिक होगी, मतलब एक एक्टिव साइट जो ए के साथ अटैच कर सकती है वो सिर्फ ए के साथ ही अटैच कर सकती है। अगर एक एंजाइम को इस ए को रिएक्ट कराना है तो इसके लिए ए वाली सब एक्टिव साइट होनी चाहिए, तब जाके ए वाली रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है। एंजाइम्स डिफर फ्रॉम इनऑर्गेनिक कैटालिस्ट्स एज एंजाइम्स कैन नॉट वर्क एट हाई टेम्परेचर। तो यहाँ पे आपको इनऑर्गेनिक कैटालिस्ट्स की जो है एक प्रॉपर्टी सामने आ गई कि इनऑर्गेनिक कैटालिस्ट्स हाई टेम्परेचर पे भी काम कर सकते हैं, दैट इज ग्रेटर देन 40 डिग्री, एंड गेट डैमेज्ड विच इज अनलाइक इनऑर्गेनिक कैटालिस्ट जो डैमेज नहीं होते। इनऑर्गेनिक कैटालिस्ट्स डैमेज नहीं होते एक्सेप्ट एंजाइम्स आइसोलेटेड फ्रॉम ऑर्गेनिज्म्स हु नॉर्मली लिव अंडर एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर्स कार्ड थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो हाई टेम्परेचर पर पहले ही रहते हैं तो उनका एंजाइम जो है वो भी हाई टेम्परेचर पर काम कर रहे हैं, सो उनके एंजाइम जो है वो डीनेचर नहीं होते हीट से। एग्जाम्पल हॉट वेंट्स एंड सल्फर स्प्रिंग्स हुज एंजाइम्स आर कैटालिटिक एट हाई टेम्परेचर इवन अप टू 80 to 90 degrees। ठीक है, नाउ एंजाइम्स राइज इन द एंजाइम्स इंक्रीज इन द रेट ऑफ रिएक्शन एंड विच रेफर्स टू द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट फॉर्मेशन पर यूनिट टाइम। नाउ रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, चेंज इन द प्रोडक्ट्स दैट इज रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, मतलब प्रोडक्ट कितने बने और डिवाइड बाई कितने टाइम में, दिस इज द रेट। ठीक है, एग्जाम्पल अगर कार्बन और वाटर की रिएक्शन आप देखो तो जिसमें कार्बनिक एसिड बनता है, अगर आप विदाउट एंजाइम देखें तो 1 घंटे में 200 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बनिक एसिड बनते हैं। ठीक है, नाउ अगर हम एंजाइम कार्बनिक एनहाइड्रेस डालते हैं जो कि इस रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं करता है, ठीक है, और ये कार्बनिक एनहाइड्रेस कहाँ पे पाया जाता है, साइटोप्लाज्म ऑफ आरबीसी, ये आपको इंपॉर्टेंटली याद रखना है, एंड स्मॉल अमाउंट इन प्लाज्मा ऑफ ब्लड, द रेट ऑफ रिएक्शन जो है इट रीचेज 600,000 times, मतलब ज़्यादा देन इट वॉज विदाउट द एंजाइम। आया समझ इसका मतलब क्या, इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन एक्सेलरेटेड, सॉरी नॉट 600,000 times, 600,000 molecules per second। सो पहले क्या बनता था, पहले 200 molecules per hour, पर आवर के हिसाब से 200, तो अब 1 सेकंड में 600,000 बनते हैं, मतलब जो कितने टाइम एक्सेलरेट हुई, 10 million times, मतलब 1 crore times ये ज़्यादा तेज़ होने लगी ये रिएक्शन। ये वैल्यूज़ आपको याद रखनी है यार, ये बहुत बार आ चुके हैं एनसीईआरटी वाली जो क्वेश्चन बैंक्स होते हैं उनमें होता है, कार्बनिक एनहाइड्रेस कहाँ पाया जाता है, विदाउट कार्बनिक एनहाइड्रेस कितने मॉलिक्यूल्स 1 घंटे में बनते हैं, विथ कार्बनिक एनहाइड्रेस कितने मॉलिक्यूल्स 1 सेकंड में बनते हैं, और कितने टाइम्स रिएक्शन जो है वो स्पीड अप हो गई। ठीक है, नाउ देयर आर थाउजेंड्स टाइप्स ऑफ एंजाइम्स ईच कैटालाइजिंग ए यूनिक केमिकल और मेटाबॉलिक रिएक्शन। नाउ मेटाबॉलिक पाथवे, मेटाबॉलिक पाथवे किसको हम बोलते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है, मल्टी स्टेप केमिकल रिएक्शन when one step is catalyzed by the same enzyme complex or different enzyme complex is called metabolic pathway. ठीक है, multi-step chemical reaction when of the step, देख लेना NCERT से एक बार। ठीक है, a multi-step when each of the step is catalyzed by the same enzyme complex. मेटाबॉलिक कॉम्प्लेक्स इसका मतलब ये है कि जहाँ पे एक रिएक्शंस होंगे, एक चेन ऑफ रिएक्शंस या बहुत सारे रिएक्शंस होंगे और ईच रिएक्शन इज कैटालाइज्ड बाय एंजाइम। फॉर एग्जांपल ग्लाइकोलिसिस है ना, ग्लाइकोलिसिस एक मेटाबॉलिक पाथवे है जहाँ पे क्या होता है, वायर द वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल इज कन्वर्टेड इनटू 2 molecules ऑफ पाइरुविक एसिड, या रेस्पिरेशन में आराम से पढ़ोगे। ठीक है, ग्लूकोज, एक ग्लूकोज से 2 pyruvic acid बने। ठीक है, इसकी केमिकल रिएक्शन क्या है, C6H2O6 स्टैंड फॉर ग्लूकोज इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन बनाते हैं 2 pyruvate, पायरुवेट के फार्मूला C3H4O3 और 2 water molecule। ये 10 step मेटाबॉलिक रिएक्शन है वायर ई स्टेप इज कैटलाइज बाई डिफरेंट एंजाइम, सो 10 reactions में 10 अलग अलग एंजाइम्स। क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम प्रोटीन, ठीक है, सबसे पहले एंजाइम्स की क्लासिफिकेशन, या तो सिंपल प्रोटीन हो सकता है एज एंजाइम, या कॉम्प्लेक्स प्रोटीन और होलोजाइम हो सकता है। मतलब क्या, अगर हमारे पास एक एंजाइम है वो सारा का सारा एंजाइम प्रोटीन से बना है तो इसको हमने बोला एक सिंपल प्रोटीन। अब क्या है, अब हमारे पास एक एंजाइम है, ये इसका एक पार्ट बना होता है प्रोटीन से, दूसरा पार्ट नॉन प्रोटीन से, इसको हमने कॉम्प्लेक्स एंजाइम बोला या होलो एंजाइम बोला। ठीक है, अब जो प्रोटीन पार्ट है इस पार्ट को हम बोलते हैं क्या, एपो एंजाइम, और नॉन प्रोटीन पार्ट जो है उसको हम कोफैक्टर बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो नॉन प्रोटीन पार्ट है ये ऑर्गेनिक भी हो सकता है, इनऑर्गेनिक भी हो सकता है। ठीक है, अगर ऑर्गेनिक हुआ उसमें अलग से कैटेगरी, और अगर इनऑर्गेनिक हुआ, इनऑर्गेनिक मतलब मेटल आयन्स हो सकता है। अब अगर ये ऑर्गेनिक हुआ, ऑर्गेनिक में अगर ये टाइटली बाइंड हुआ किससे, एपो एंजाइम से, प्रोटीन वाले पार्ट से, तो इसको हम प्रोस्थेटिक ग्रुप बोलते हैं, और अगर लूजली बाउंड हुआ तो कोएंजाइम बोलते हैं। देखो यार, क्या आपको सिंपल प्रोटीन आ गया समझ, अब कॉम्प्लेक्स प्रोटीन में क्या है, एक प्रोटीन पार्ट है जिसको हम क्या बोलते हैं, एपो एंजाइम, इसके साथ अटैच होना है किसको, किसको अटैच होना है, कोफैक्टर को, सी एफ को।
अब अगर ये सी एफ मेटालायन हुआ तो कोई मसला नहीं, वो आएगा और इसके साथ इस एपोएंजाइम के साथ बाइंड होगा। अब अगर वो ऑर्गेनिक हुआ, ये कोफैक्टर अगर ऑर्गेनिक हुआ, तो फिर डिपेंड करेगा कि ये इस एपोएंजाइम के साथ ये कोफैक्टर कैसे बाइंड करेगा। अगर ऑर्गेनिक हुआ और इसने टाइटली बाइंड किया, इस कोफैक्टर ने टाइटली बाइंड किया इस एपोएंजाइम के साथ, सो तब हम इस कोफैक्टर को नाम देते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप। और अगर लूजली अटैच किया इस एपोएंजाइम के साथ, तो तब जाके नाम क्या देते हैं, कोएंजाइम। ठीक है, नाउ प्रोस्थेटिक ग्रुप एग्जांपल, ये एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी। हीम इज अ प्रोस्थेटिक ग्रुप ऑफ टू एंजाइम्स, पेरोक्सीडेज एंड कैटालेज, एंड ऑल्सो पार्ट ऑफ देयर एक्टिव साइट। सो कैटालेज एच पी सी, हीम फॉर पेरोक्सीडेज एंड कैटालेज। को एंजाइम्स एग्जाम्पल, मोस्टली विटामिन्स। को एंजाइम्स क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स, कोएंजाइम्स और ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स विच बाउंड एपोएंजाइम वेरी लूजली। सो मोस्टली ये क्या होता है, विटामिन्स, एनएडी, एनएडीपी, एनएडी प्लस, एनएडीपी प्लस कंटेन विटामिन नायासिन, नायासिन। ठीक है, द मेटल आयन्स फॉर एग्जांपल जिंक इज अ कोफैक्टर ऑफ प्रोटीलेटिक एंजाइम कार्बोक्सीपेप्टाइड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। नाउ हाउ एंजाइम्स ब्रिंग अबाउट हायर रेट्स ऑफ रिएक्शन, कैसे? देखो यार, यहाँ पे आपने हमने दी है एक रिएक्शन गोइंग ऑन, यहाँ पे रिएक्शन प्रोग्रेस और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी। सबसे पहले सबस्ट्रेट की पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है और प्रोडक्ट की पोटेंशियल एनर्जी कम है। नाउ इस सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट पे जाने के लिए सबसे पहले हमें इसको एक एनर्जी देनी पड़ती है ट्रांजिशन स्टेट पे पहुंचने के लिए, और उस एनर्जी को क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, अब अगर आप देखो जो मैंने पहले वाली जो ऊपर वाला जो पहाड़ जैसा जो ऊपर वाला ग्राफ है, उसमें क्या है, उसमें जो एक्टिवेशन एनर्जी लगी हमको वो विदाउट एंजाइम है, जब हमने एंजाइम नहीं दिया। फाइनल प्रोडक्ट तो सेम है, लेकिन अगर हमारे पास एंजाइम है, ये जो एक्टिवेशन एनर्जी है कम है ना, यहाँ पे ग्राफ में आप देख सकते हो एक्टिवेशन एनर्जी विद एंजाइम। सो यहाँ पे आपको याद रखना, एंजाइम सबस्ट्रेट मिलके एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाते हैं और एंजाइम और प्रोडक्ट रिलीज होते हैं। नाउ एनी सबस्ट्रेट इन केमिकल रिएक्शन हैज टू बी प्रोवाइडेड विद एनर्जी टू रीच अ हाई एनर्जी स्टेट कॉल्ड ट्रांजिशन स्टेट, फ्रॉम वेयर इट कैन गेट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स। ठीक है, और ये ट्रांजिशन स्टेट अनस्टेबल होती है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड टू रीच द ट्रांजिशन स्टेट इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। नाउ जो एंजाइम्स होते हैं, दे प्रोवाइड एन अल्टरनेटिव पाथवे फॉर द रिएक्शन वेयर द ट्रांजिशन स्टेट इज लोअर्ड एंड एक्टिवेशन एनर्जी नीडेड इज आल्सो लेस। आगे समझ, द कैटालिटिक साइकिल ऑफ एन एंजाइम कैन बी डिस्क्राइब्ड इन फोर स्टेप्स। सबसे पहले क्या होता है, सबस्ट्रेट बाइंड्स टू द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम एंड फिट्स इनटू इट। ठीक, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जो सबस्ट्रेट होता है इंड्यूसेस द एंजाइम टू ऑल्टर इट्स शेप फिटिंग मोर टाइटली। सो सबसे पहले सबस्ट्रेट आया, वो एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम पे बाइंड हुआ, उसके बाद जो है, उसके बाद जो एंजाइम है, एंजाइम ने अपने अपने अंदर चेंजेस की सो दैट ये सबस्ट्रेट अच्छे से फिट हो, मोर टाइटली फिट हो। आफ्टर दैट प्रॉक्सिमिटी बिटवीन सबस्ट्रेट एंड एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम, उसकी क्या होता है, ब्रेकिंग बॉन्ड्स इन द सबस्ट्रेट एंड न्यू एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म। और उसके बाद जो है, एंजाइम रिलीज द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन एंड द फ्री एंजाइम इज रेडी टू बाइंड टू अनदर मॉलिक्यूल ऑफ सबस्ट्रेट एंड रन थ्रू द कैटालिटिक साइकिल वन सेकेंड। ठीक है, नाउ इफ द एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट इज लेस देन द सबस्ट्रेट, ठीक है, द एनर्जी इज रिलीज एंड इट इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इफ द एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट इज मोर देन द सबस्ट्रेट, द एनर्जी इज कंज्यूम्ड एंड इट इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो यहाँ से आपको समझ आ गया एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है। नाउ फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी, द एक्टिविटी ऑफ एन एंजाइम कैन बी अफेक्टेड बाय चेंज इन अ कंडीशन विच आल्टर द टेरिशरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन। क्यों? क्योंकि एंजाइम एक्टिव कब होता है, टेरिशरी स्ट्रक्चर में ही। कौन कौन सी चार चीज़ें जो हैं जो इसको अफेक्ट करते हैं, टेम्परेचर, प्रेशर, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, बाइंडिंग ऑफ स्पेसिफिक केमिकल्स दैट रेगुलेट इन एक्टिविटी, इनहिबिटर्स और एक्टिवेटर्स। सो टेम्परेचर चेंज की वजह से टेरिशरी स्ट्रक्चर इफेक्ट होता है, पीएच चेंज की वजह से इफेक्ट होता है, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन की वजह से और बाइंडिंग। सबसे पहले टेम्परेचर प्रेशर का इफेक्ट देखते हैं। जो एंजाइम होते हैं, एंजाइम फंक्शंस इन अ नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। द टेम्परेचर एट विच एंजाइम्स आर हाईएस्ट एक्टिव इज कॉल्ड ऑप्टिमम टेम्परेचर, और पीएच जहाँ पे एंजाइम्स हाईएस्ट एक्टिव होते हैं दैट्स कॉल्ड ऑप्टिमम पीएच। एक्टिविटी डिक्लाइंस ऑन बोथ द साइड्स, बोथ अबो एंड बिलो द ऑप्टिमम टेम्परेचर। फॉर एग्जाम्पल, अगर टेम्परेचर हमारे पास है एक एंजाइम, फॉर एग्जाम्पल उसकी एक्टिविटी जो है वो 30 डिग्री सेल्सियस पे बेस्ट है, तो हमारे पास क्या आएगा, 30 डिग्री सेल्सियस उसका ऑप्टिमम टेम्परेचर है, 29 पे 30 से कम होगा, 31 पे 30 से कम होगा। सो अगर हम ग्राफ बनाएंगे, यहाँ से लिखेंगे एंजाइम एक्टिविटी और यहाँ से टेम्परेचर, सो अगर यहाँ पे 30 डिग्री है, सो 30 डिग्री पे वो मैक्सिमम आएगा, फिर जब और बढ़ाएंगे तो कम होगा। सिमिलरली पीएच के साथ भी ऐसा ही होता है। ठीक है, सो लो टेम्परेचर में क्या होता है, लो टेम्परेचर में क्या होता है, एंजाइम जो होता है प्रिजर्व होता है इन ए टेम्पोरली इनएक्टिव स्टेट, वाइल एज हाई टेम्परेचर पे क्या होता है, जो एंजाइम होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, डिनेचुरेशन हो जाती है प्रोटीन्स की, जिसकी वजह से एक्टिविटी कम होती है। नाउ जनरल रूल ऑफ थंब क्या होता है, फॉर एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर रेट डबल्स एंड वाइस वर्सा। सो अप टू दिस ऑप्टिमम टेम्परेचर, अगर फॉर एग्जाम्पल एक
एंजाइम का ऑप्टिमम टेम्परेचर 30 है। सो जितनी 20 पे उसकी एक्टिविटी होगी और 30 पे अगर हम एक्टिविटी उसकी देखें, सो 30 पे जो एक्टिविटी होगी दैट विल बी ट्वाइस दैट ऑफ द 20, ठीक है। ये देखो, ये है पीएच के बी एंजाइम एक्टिविटी और टेम्परेचर एंजाइम एक्टिविटी के बीच में रिलेशन, और इस वाले कर्व को बोलते हैं बेल शेप्ड कर्व, ठीक है ना। कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट पे कैसे इफेक्ट होगा, अगर आप इस ग्राफ में देखोगे तो यहाँ से हम सबस्ट्रेट बढ़ा रहे हैं और यहाँ से वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन हम प्लॉट कर रहे हैं। सबसे पहले क्या होगा, जैसे ही सबस्ट्रेट बढ़ता है तो वेलोसिटी भी बढ़ती है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम यू कैन सी दैट एज वी इंक्रीज द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन द वेलोसिटी जो होती है फ्लैटन होती है, प्लेट पहुंच जाता है और वेलोसिटी अब और नहीं बढ़ती। इसका मतलब क्या है कि अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एंजाइम है रिएक्शन में, हम सबस्ट्रेट बढ़ा रहे हैं तो रिएक्शन की जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज़ हो रही है, लेकिन एट अ पॉइंट क्या होगा, जितने भी एंजाइम्स होंगे, जितनी भी उनकी एक्टिव साइट्स होंगी, वो ऑक्यूपाई हो जाएंगी विथ ऑल द सबस्ट्रेट्स, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल आप ऐसे मानो कि हमारे पास 10 बंदे हैं जो काम कर सकते हैं, ठीक है। अब उनको हमने काम कह दिया कि आपको एक मैसेज टाइप करनी है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम फॉर एग्जांपल पहले उनको बोलेंगे कि आप 5 मैसेज टाइप करो, सो 5 मैसेज टाइप करेंगे, 5 बैठेंगे, अब हम 6 देंगे तो वहाँ से आउटपुट भी 6 आएगा, 7 देंगे आउटपुट भी 7 आएगा। तो हमें क्या लग रहा है कि जितनी जितनी हम मैसेज अब यहाँ से देंगे उतनी उतनी वहाँ से वो टाइप करते जाएंगे, लेकिन जब हमने 10 दिए उसके बाद हम 11वीं देंगे तो वहाँ पे उस 11वीं मैसेज को टाइप करने के लिए कोई होगा नहीं, तो वहाँ पे हम क्या बोलेंगे, सैचुरेशन आ गई। सो सैचुरेशन क्या आ गई, जितने भी एंजाइम्स हैं, जितनी भी उनके एक्टिव साइट्स होंगी, अब वो ऑक्यूपाइड है, वो अभी काम कर रही है, वो रिएक्शन कर रही है, तो अब हम और सबस्ट्रेट भी देंगे तो वेलोसिटी इंक्रीज नहीं होगी, ये इसका कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब आपको याद क्या रखना है कि ये जो मैक्सिमम वेलोसिटी है जहाँ पे एक एंजाइम पहुँच सकता है विद द सबस्ट्रेट, इट इज कॉल्ड वी मैक्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इंक्रीज द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन द वेलोसिटी ऑफ एंजाइम रिएक्शन राइज फर्स्ट द रिएक्शन अल्टीमेटली रीचेस अ मैक्सिमम वेलोसिटी वी मैक्स विच इज नॉट एक्सीडेड बाय एनी फर्दर राइज इन द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बिकॉज एंजाइम मॉलिक्यूल्स आर फ्यूअर देन द सबस्ट्रेट एंड सबस्ट्रेट एंड नो फ्री एंजाइम्स कैन बाइंड देर आर नो फ्री एंजाइम्स टू बाइंड विद एडिशनल सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन एट विच द रिएक्शन अटेन्स वी मैक्स इज कॉल्ड KM एंड इट्स कॉल्ड माइकल मेंटन कॉन्स्टेंट विच स्पेस फॉर ईच एंजाइम। देखो क्या हमने वी मैक्स देखा क्या होता है, अब हम वी मैक्स बाई 2 पे देखेंगे कि सबस्ट्रेट क्या आ रहा था, मतलब इन ऑर्डर टू अटेन द हाफ ऑफ द वेलोसिटी मैक्सिमम हाउ मच सबस्ट्रेट इज नीडेड, उस सबस्ट्रेट को हम बोलते हैं माइकल मेंटन कॉन्स्टेंट, और ये हर एंजाइम के लिए स्पेसिफिक होता है। सो ये माइकल मेंटन कॉन्स्टेंट KM इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट एंजाइम्स, ठीक है। नाउ स्पेसिफिक केमिकल्स that affect enzymes. Now the activity of enzyme is also sensitive to presence of specific chemicals that bind to the enzyme. When the binding of a chemical shuts off enzyme activity, the process is called inhibition and the chemical is called as inhibitor. Now inhibitor agar resemble kar gaya substrate ke sath structurally and competes with it for active site binding, isko hum competitive inhibition bolte hain. एंजाइम एक्शन जो है वो कम हो जाती है एंड इट प्रिवेंट्स द सबस्ट्रेट फ्रॉम बाइंडिंग एक्टिव साइट। तो ये क्या, इट्स अ काइंड ऑफ अ कैमोफ्लेज। फॉर एग्जांपल हमारे पास एंजाइम में रिएक्शन में एंजाइम है, अब एंजाइम किसके साथ बाइंड करता है नॉर्मली, सबस्ट्रेट के साथ। अब यहाँ पे एक इनहिबिटर है, इनहिबिटर सबस्ट्रेट के जैसे दिखने वाला है, तो इनहिबिटर इस सब एंजाइम की एक्टिव साइट पे बाइंड होगा, सबस्ट्रेट को बाइंड होने से प्रिवेंट करेगा, ये इंटरन इट कम्पीट्स विद द सबस्ट्रेट, जिसकी वजह से एंजाइम एक्टिविटी कम होगी और इसको कम्पिटिटिव इनहिबिशन बोलते हैं। अब अगर ये इनहिबिटर जो है ये सबस्ट्रेट के साथ रिजेंबल नहीं करता, नो स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी बिटवीन सबस्ट्रेट एंड इनहिबिटर एंड द ब्लॉक्स एंजाइम एक्टिविटी वे बाइंडिंग टू साइट अदर देन एक्टिव साइट। सो कम्पिटिटिव इनहिबिशन में एक्टिव साइट पे बाइंडिंग होती है इनहिबिटर की, यहाँ पे अदर देन एक्टिव साइट बाइंड होती है, सो एंजाइम एक्शन यहाँ पे भी डिक्लाइन होती है एंड दिस इज कॉल्ड व्हाट, नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिशन। एग्जाम्पल ऑफ कम्पिटिटिव इनहिबिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप जो है प्लांट फिजियोलॉजी में भी पढ़ोगे। मेलोनेट रिजेंबल्स सबस्ट्रेट सक्सिनेट एंड इनहिबिशन ऑफ एंजाइम सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस इन ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल और साइट्रिक एसिड साइकिल, ठीक है। एंड इट इज यूज्ड टू कंट्रोल बैक्टीरियल पैथोजेंसिस, या आगे देखोगे मतलब इसके मतलब, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि एंजाइम है हमारे पास सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस, इसके लिए सबस्ट्रेट क्या था, सक्सिनेट। अब सक्सिनेट जो होता है, सक्सिनेट इसका सबस्ट्रेट था, यहाँ से मेलोनेट आ गया जो कि सक्सिनेट के जैसे दिखता है, ये इनहिबिट करता है किसको, सक्सिनेट डिहाइड्रोजन को, यहाँ पे ये क्या बना, कम्पिटेटिव इनहिबिटर। नाउ क्लासिफिकेशन नॉमनक्लेचर ऑफ एंजाइम्स ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ रिएक्शन दे कैटालाइज, सो दे आर कैटेगराइज इनटू 6 क्लासेस और ईच क्लास जो है ईच विथ 14 to 13 सब क्लासेस एंड नेम्ड अकॉर्डिंग टू 4 डिजिट। यहाँ पे यार देखो, याद क्या रखना है, याद सिर्फ 6 क्लास ऑफ एंजाइम्स के नाम याद रखने हैं। अगर थोड़ा टफ पूछा तो बोल सकती हैं कि हर क्लास में कितने
सब क्लासेस होते हैं, 4 to 13 हो सकते हैं, और जो एंजाइम का नेम है तो वो नेम कितने डिजिट्स का होता है, 4 डिजिट का होता है, ठीक है। अब निमोनिक क्या है इसके लिए, ऑथ लिल, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5, क्लास 6, ठीक है। क्लास 1 है ओ, ओ मतलब ऑक्सीडो रिडक्टेज, विच इज ऑल्सो कॉल्ड डिहाइड्रोजिनेज, कैटलाइज ऑक्सीडो रिडक्शन, मतलब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन वाली रिएक्शन बिटवीन टू सबस्ट्रेट्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, सबस्ट्रेट रिड्यूस्ड प्लस दूसरा सबस्ट्रेट ऑक्सीडाइज्ड, तो रिएक्शन के बाद क्या होगा, पहला वाला ऑक्सीडेंस होगा, दूसरा वाला रिड्यूस होगा। सो ऑक्सीडेशन रिडक्शन आपस में करते हैं। क्लास 2 टी, टी मतलब ट्रांसफरेज, मतलब कैटलाइज ट्रांसफर ऑफ ए ग्रुप अदर देन हाइड्रोजन एटम बिटवीन अ पेयर ऑफ सबस्ट्रेट्स। फॉर एग्जांपल एस और एस डॉट, ये दो अलग अलग ग्रुप है, इनके बीच में एक ग्रुप का ट्रांसफर करना है तो ट्रांसफरेज करेंगे, फॉर एग्जाम्पल मिथाइल ट्रांसफरेज। क्लास 3 एच, एच मतलब हाइड्रोलिसिस कैटलाइज हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर ईथर पेप्टाइड ग्लाइकोसाइड। ये आपने पढ़ा है ना, एस्टर कहाँ पे पढ़ा आपने, न्यूक्लिक एसिड्स में, पेप्टाइड पढ़ा प्रोटीन्स या पॉलीपेप्टाइड्स में, ग्लाइकोसाइड बॉन्ड कहाँ पे पढ़ा, कहाँ पे, पॉलीसेकेराइड्स में, ठीक है। CCCH इन बॉन्ड्स को जो है विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोलिसिस कैटलाइज हाइड्रोलिसिस, ठीक है। एग्जांपल हाइड्रोलिसिस का, हाइड्रोलिटिक एंजाइम का डाइजेस्ट एंजाइम। सो फोर्थ मतलब L, L मतलब लाइएज़, लाइएज़ मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ ग्रुप फ्रॉम सबस्ट्रेट बाय मैकेनिज्म अदर देन हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस के बगैर अगर हमें ग्रुप को ब्रेक करना है, फॉर एग्जाम्पल डिकार्बॉक्सिलेज, सो डिकार्बॉक्सिलेज इज अ लाइएज, डाइजेस्टिव एंजाइम्स आर हाइड्रोलिसिस। ये आपको याद रखने के, ऑथिल मतलब ऑक्सीडोरिडक्टेज, ट्रांसफरेज, हाइड्रोलिसिस, लाइएजेस, आइसोमेरेजेस, लाइगेजेस, उसके बाद एग्जांपल, एग्जांपल अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज, ऑक्सीडो रिडक्टेज, मिथाइल ट्रांसफरेज, ट्रांसफरेज, डाइजेस्टिव एंजाइम्स ऑफ हाइड्रोलिसिस, डाइजेस्टिव एंजाइम्स को हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स भी बोलते हैं ना, हाइड्रोलिसिस, लाइएज, डिकार्बोक्सिलेज, लाइएज, ठीक है। इसलिए आगे जाकर आइसोमेरेज, आइसोमेरेज आर दोज एंजाइम्स कैटलाइजिंग इंटर कन्वर्जन ऑफ ऑप्टिकल जियोमेट्रिक एंड पोजिशनल आइसोमेरिज्म। सो एक आइसोमर को दूसरे आइसोमर, यार वो आपको समझ आ गया होगा, इसमें सिर्फ याद रखना ट्रायोज फॉस्फेट आइसोमेरेज, ये जो है आपको ग्लाइकोलिसिस वाली रिएक्शन में आपको याद होगा अगर आपने पढ़ी है अभी तक। एंड क्लास 6 इज लाइगेज, ऐसा नहीं है कि आप क्लास 4 जो है, क्लास 4 लाइगेज बता दोगे, क्लास 5 हाइड्रोलिस बता दोगे। ये निमोनिक ऐसी है ऑथ लिल, ये आपको ऐसी चलानी है कि पहले पहला क्लास ओ, फिर टी, फिर एच, ठीक है। लाइगेज मतलब होता है, लाइगेज होता है, लाइगेशन होता है, मतलब दो चीज़ को आपस में जोड़ना, कैटलाइजिंग लिंकिंग टुगेदर ऑफ, मतलब ग्लूइंग ऑफ टू कंपाउंड्स। एग्जाम्पल एंजाइम विथ कैटलाइज कैटलाइज ज्वाइनिंग ऑफ सी ओ सी एस सी एन डी एन ए लाइगेज। नाउ मिसिलिनियस फ्रॉम द चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स, जो जहाँ से क्वेश्चन आते रहते हैं, ठीक है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू नो इट। बायोमोलिक्यूल्स आर कॉन्स्टेंटली चेंज्ड इनटू सम अदर बायोमोलिक्यूल्स एंड ऑल्सो मेड फ्रॉम सम अदर बायोमोलिक्यूल्स एंड दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड टर्नओवर एंड टुगेदर ऑल दिस रिएक्शंस ऑफ ब्रेकिंग एंड मेकिंग इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म एंड मेटाबॉलिक फ्लो कॉल्ड एज डायनेमिक स्टेट ऑफ बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है। दिस पाथवेज क्रिस क्रॉस ईच अदर, दैट इज दे आर ट्रैफिक जंक्शंस। फॉर एग्जाम्पल एमाइनो एसिड से अगर हमें एमाइन बनाना है तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, ऑल द रिएक्शन इन लिविंग टिश्यू ये कैटलाइज्ड होते हैं, उसके बाद जो है कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर टू सिंपल स्ट्रक्चर और सिंपल स्ट्रक्चर टू कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। अगर कॉम्प्लेक्स हमें सिंपल बनाना है तो मतलब बड़ी चीज़ों को तोड़ना होगा सिंपल चीज़ों में, दिस इज कॉल्ड कैटाबॉलिक पाथवे। फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज को हमको पाइरुविक एसिड बनाना है और इस कैटाबॉलिक पाथवे में क्या होगा, रिलीज ऑफ एनर्जी, ठीक है। अब सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, अब अगर हमारे पास फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज है, ग्लूकोज से हमें बनाना है ग्लाइकोजन, मतलब स्टोरेज फार्म बनानी है, तो हमें क्या लगेगी, हमें इसमें एनर्जी लगेगी, दैट इज़ एनाबॉलिक पाथवे। सो कैटाबॉलिक पाथवे वो वाली पाथवे होती है जहाँ पे हम बड़े मॉलिक्यूल को जो है, बड़े वाले कॉम्प्लेक्स चीज़ को तोड़ते हैं छोटे मॉलिक्यूल में, एनाबॉलिक में छोटे मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे के साथ बाइंड करके बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं। सो कैटाबॉलिक पाथवे में ब्रेक डाउन से एनर्जी रिलीज होगी और एनाबॉलिक पाथवे में यहीं से एनर्जी लगेगी, ठीक है। नाउ सब्जेक्ट विच डील्स विद द मैकेनिज्म ऑफ एनर्जी डेरिवेशन फ्रॉम फूड एंड वर्क इज कॉल्ड बायो एनर्जेटिक्स। ऐसे याद रखो, नॉर्मल ब्लड कंसेंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज 4.5 to 5 मिलीमोल while that of hormones is in nanograms। इसमें जो है millimoles में तो हम मेजर नहीं करते, फास्टिंग PP वो डिफर होता है, आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं होती, अभी नहीं है इस टाइम। नाउ लिविंग स्टेट की डेफिनेशन क्या है, लिविंग स्टेट क्या है, नॉन इक्विलिब्रियम स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट आपको समझ आ गया होगा कि हारमोनियस है, ठीक है। अब नॉन इक्विलिब्रियम क्यों बोला गया है, देखो क्या फिजिक्स में अगर आपने पढ़ा होगा, इक्विलिब्रियम से स्टेट जहाँ पे जीरो एनर्जी होती है, लेकिन लिविंग स्टेट में जीरो एनर्जी नहीं होती, जीरो एनर्जी मतलब आदमी डेड, ठीक है। तो इसलिए हमने स्टेडी स्टेट तो माना इसको, लेकिन नॉन इक्विलिब्रियम विच इज एबल टू परफॉर्म वर्क एंड सिनोनिमस द मेटाबॉल।
ठीक है। अब यहाँ पे ग्लूकोज का जो है स्ट्रक्चर दिया हुआ है, यू शुड नो इट, राइबोज का यू शुड नो इट, कोलेस्ट्रॉल का आपको आइडिया होना चाहिए क्योंकि ये भी बहुत बार आ चुका है, ऐसे नहीं बनाना आना चाहिए लेकिन आइडिया होना चाहिए कैसा दिखता है। इन लिविंग टिश्यू द रिलेटिव एबंडेंस ऑफ कार्बन हाइड्रोजन इज हायर विथ रिस्पेक्ट टू अदर एलिमेंट्स दैन अर्थस क्रस्ट। परसेंटेज वेट ऑफ एलिमेंट्स इन ह्यूमन बॉडी टेबल 9.1 यू शुड हैव अ लुक, बट यहाँ पे मैंने आपको उसका क्रैक्स बताया है। ऑक्सीजन ज़्यादा कार्बन से, कार्बन ज़्यादा हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन ज़्यादा कैल्शियम से, कैल्शियम ज़्यादा हाइड्रोजन से, इज नॉट हाइड्रोजन इज नाइट्रोजन। सो OCN का H, OCN का H ऐसे भी याद रख सकते हैं ना। नाउ सम सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स टेबल 9.3 जो बोला था, अगर पिगमेंट्स की बात करें, वी हैव कैरोटीनॉइड्स, एंथोसाइनिन, अल्कलॉइड्स, अल्का मतलब अल्कोलाइड्स, को मतलब कोडीन, मार मतलब मॉर्फिन, टेरपिनोइड्स, मोनोटेरपिन, डाइटरपिन, ये भी आपको याद रहे। एसेंशियल ऑयल लेमन ग्रास ऑयल, नाम में ही ऑयल है। टॉक्सिन्स टार, टार मतलब टी मतलब टॉक्सिन, ए मतलब आर अब्रिन, आर मतलब रेसिन, ठीक है। लैक्टिन लैक्टिन का है कॉनकानावेलिन ए, और ड्रग्स का ड्रग्स डस्टबिन कुकम्बर मतलब विनब्लास्टिन एंड कुरकुमिन। पॉलीमरिक सब्सटेंसेस रबर गम सेलुलोज, ये आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। एवरेज कंपोजिशन ऑफ सेल इन परसेंटेज टेबल 9.5 पे हैं। HPNCLI ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, ये आपको एक तो मैंने अभी आपको बोला था ONC का H बोला था ना, ऑक्सीजन नाइट्रोजन कार्बन कैल्शियम एंड हाइड्रोजन, उसके बाद आपको याद रखना है HPNCLI मतलब सबसे ज़्यादा ह्यूमन सेल में क्या, सॉरी लिविंग सेल में क्या होता है, वाटर, वाटर के बाद प्रोटीन, प्रोटीन के बाद न्यूक्लिकेशन, न्यूक्लिकेशन के बाद कार्बोहाइड्रेट, उसके बाद लिपिड, उसके बाद आयरन, ऑन द बेस ऑफ परसेंटेज, ठीक है। सम प्रोटीन्स एंड देयर फंक्शंस टेबल 9.5 ऑन द NCERT। कोलेजन इंट्रासेलुलर ग्राउंड सबस्टेंस, ट्रिप्सिन एंजाइम है, इंसुलिन हार्मोन है, एंटीबॉडीज जो होते हैं प्रोटीन से जो बनती है, दे फाइट इन्फेक्शंस, दे प्रोटीन ऑल्सो फॉर्म रिसेप्टर, सेंसरी रिसेप्टर, सोमेल्टेस्ट हार्मोन, और GLUT4 ये इंपॉर्टेंट है, एनेबल्स ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इनटू सेल्स, ठीक है। सो विद दिस वी कंप्लीटेड दिस चैप्टर एंड आई सजेस्ट यू टू गो थ्रू दिस वंस रफली, एंड नोट्स विल बी गिवन इन द डिस्क्रिप्शन लिंक, एंड अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो जिनको आपको लगता है कि उनके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। सो कीप सपोर्टिंग, आई विल बी पुटिंग सच वीडियोस ऑन यूट्यूब इंशाल्लाह जैसे मुझे टाइम मिलेगा। सो टेक केयर, स्टडी हार्ड, अल्लाह हाफिज़।